अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ फरहान यूसुफ और आप लोग जो हैं इस वक्त केमिस्ट्री की क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। हम ई कैट सेशन जो है वो लेके चल रही हैं और हमारा बेसिक मकसद यही है, बेसिक एम यही है कि हम यहाँ से इतनी अच्छी तैयारी करें कि हमारा जो आने वाला ई कैट है यानी एंटी टेस्ट है वो बहुत शानदार किस्म का हो और हम तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे फैकल्टी के अंदर, अच्छे डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो एडमिशन ले सकें। देखो मैं आपको बताऊं कि आज हमारा जो टारगेट रहेगा वो चैप्टर नंबर 4 का रिमेनिंग पार्ट जो कि हमने करना था वो, और उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 5 को भी डिस्कस करना है, क्योंकि हमारा आज का टारगेट लंबा था, मतलब लेंथियर है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा हैं। ठीक है, सो इस चीज़ को जहन में रखते हुए मैंने किया ये है कि मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड्स बना दी हैं, जैसे कि हमने कल जो है MCQs के बेस पर हमने डिस्कशन की थी और जो है आप लोगों को मैंने जो है चीज़ें समझाई थी, टॉपिक क्लियर किया था। सो आज भी उसी फॉर्मेट को लेकर चलूँगा, क्योंकि मैंने कल जो है आप लोगों से एक राय भी ली, आप लोगों की रात के टाइम जो है एक वोस मैंने की थी और आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने कहा कि ये फॉर्मेट ठीक है। रीज़न क्या है, देखो हमारे पास टाइम शॉर्ट है, क्योंकि आप जानते हैं कि जस्ट 25 डेज, इससे भी बिल्कुल जो है वो हमारे पास टोटल ड्यूरेशन था और अब तो और भी कम रह चुका है। सो 27 जो है वो चैप्टर्स को हमने कंप्लीट करना है। अगर हम जो है टॉपिक वाइज चलेंगे और टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे तो फिर आपने देखा था कि परसों की क्लास में हमने सिर्फ टॉपिक वाइज डिस्कशन की, MCQs नहीं डिस्कस कर पाए। सो यही था कि फिर हम MCQ को लेके चलें, उसमें हर एक ऑप्शन को क्लियर करेंगे तो टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो इसलिए मैंने फिर ये डिसाइड किया, हम सब ने बल्कि आप सब ने मिलकर हम सब ने जो है ये डिसाइड किया कि हम टॉपिक वाइज जो है MCQ डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, तमाम के तमाम जो आइडियाज़ हम सब के हैं ठीक है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, सो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो है डिस्प्ले भी हो रहा है, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो है सामने आ भी रहा है आपके कि एक जो है मैंने स्लाइड्स जो है मैंने आपके लिए वो रखी हुई हैं, हाफ स्क्रीन का मैं इस्तेमाल करूँगा उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए और दूसरी हाफ स्क्रीन जो होगी उस पर जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा किस चीज़ को भी, MCQs को, MCQ जो है आप लोगों की स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे। मैं जो है वर्बली तौर पर हर एक जो है MCQ को पढ़ूंगा भी और आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, बाकी यही MCQ जो है आपको अपलोड भी हो जाएंगे आपके पास, ठीक है आपके पास आ भी जाएंगे और आप वहाँ से भी देख सकते हैं और वो चीज़ जो है आपको मिल जाएगी, तमाम के तमाम जो कंटेंट है ठीक है वो मिल जाएंगे। ठीक है भाई, देखो लास्ट टाइम हमने सॉलिड पोर्शन स्टार्ट किया था और सॉलिड पोर्शन के अंदर हमने जो है डिस्कस कर लिया था प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कि सॉलिड की जो है प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उस हवाले से हमने कुछ MCQs की प्रैक्टिस की थी और अब जो है हमने करना क्या है कि अब जो है हम उससे आगे चलेंगे और उससे आगे चलते हुए हम क्या करने लगे हैं भाई, उससे आगे चलते हुए हम जो है टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात करेंगे। सर क्वालिटी जो है वो पुअर हो रही है भाई, देख लेते हैं अभी, देख लेते हैं कि जो है आप लोगों को कितना डिस्प्ले हो रहा है। हमने पूरी जो है कोशिश की है कि आप लोगों को 100% जो है वो डिस्प्ले हो सके। मेरे इस वक्त स्क्रीन पर सामने जो चीज़ डिस्प्ले हो रही है उसमें तो तमाम चीज़ें क्लियर हैं, मैं यहाँ से पढ़ भी सकता हूँ और इवन कि मैं अपने आप को यानी कि जो मैं यहाँ पर लिखूँगा राइट करूँगा वो भी मैं जो है वो देख सकता हूँ। सो मेरे ख्याल से ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर आप लोग जो है फोकस करें तो आपको नज़र आ जाएगा। जी मेरे ख्याल से अब आई थिंक आप लोगों को इशू नहीं होना चाहिए, आप लोग आराम से कर पाएंगे। ठीक है, फिट है, ठीक हो गया, क्लियर है सर, बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया आई थिंक, अब जो है क्लियर हो जाएगा। मैं इस तरह करूंगा कि मैं जो है फुल स्क्रीन पर ले आऊंगा इन स्लाइड्स को, जिससे कि आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, सो फुल स्क्रीन पर हम रखेंगे, स्लाइड्स की क्वालिटी पुअर है वो आपको इसलिए लग रही है जान क्योंकि हमने इसको फुल बोर्ड पे नहीं किया हुआ। वेरी क्लियर सर, बिल्कुल ठीक है, तो शुक्र है आप लोगों को क्लियर है, आई थिंक तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है, तो हम आगे चलेंगे और हम जो है कुछ बात कर लेते हैं, कंटिन्यू करें। ठीक है भाई, लास्ट टाइम हमने जो है हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड नहीं डिस्कस किया था, तो वहीं से ऑनवर्ड चलेंगे। मैं आज करूंगा ये कि मैं जो है आप लोगों को एक तो ये कि MCQ के थ्रू जो है कोई चीज़ क्लियर करूंगा, कोई चीज़ जो है आपको समझाऊंगा, इसके साथ साथ मैं जो है आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मार्क भी करवा दूंगा हर एक टॉपिक में से, यानी कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ हमें लाजमी जो है वो करनी चाहिए हर एक टॉपिक के अंदर से, वो भी चीज़ बता दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है भाई, अच्छा सो टाइप्स ऑफ सॉलिड में पहले आता है हमारे पास आयनिक सॉलिड। ठीक है, आयनिक सॉलिड जो है इसकी हम बात करेंगे, आयनिक सॉलिड के हवाले से जो है मैं आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोगों को जो है कन्वे करूंगा और पहला MCQ भी हमारा जो है वो किससे रिलेटेड है, पहला MCQ, अच्छा बिल्कुल ठीक है जी, हम पहली जो स्लाइड है वो डिस्प्ले कर देते हैं, आप ये लें जनाब। ठीक है जी, सो फर्स्ट स्लाइड आपके पास इस वक्त स्क्रीन पर डिस्प्ले है, इससे ये होगा कि हमारे पास टाइम बच जाएगा, रिटन फॉर्म के अंदर जो हमने चीज़ आनी थी वो हम वर्बली एक्सप्लेन कर पाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक हो गया, अच्छा पहला जो MCQ आपकी स्क्रीन पर इस वक्त डिस्प्ले भी हो रहा है वो है आयनिक सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय,
आयनिक सॉलिड्स की अगर हम बात करते हैं तो वो किस बेस पर कैरेक्टराइज होते हैं, किस बेस पर जो है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, एक तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि आयनिक सॉलिड्स होते क्या हैं। हम कहते हैं कि आयनिक सॉलिड्स वो टाइप ऑफ सॉलिड्स हैं कि जिनके अंदर आयन्स होंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिनसे मिलकर वो सॉलिड बन रहा है वो बेसिक तौर पर आयन्स है, यानी कि आयन्स और इन आयन्स के कम्बिनेशन से हम कहते हैं कि आयनिक सॉलिड बनता है। ठीक हो गया। अब आयनिक सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो आयनिक सॉलिड की कुछ समहाउ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हमने जो है डिटेल में देखना है। अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें तो इसमें पहला लिखा हुआ है लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और दूसरा जो है, दूसरा हमारे पास क्या है जी, गुड कंडक्टिविटी। अच्छा, इस तरह अच्छा अभी आपको सबको नजर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। सो लो मेल्टिंग पॉइंट भी हमारे पास ऑप्शन है, गुड कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। तीसरा हमारे पास है जी हाई वेपर प्रेशर, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास है सॉलिबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स। सो चलें भी कंप्लीट डिस्प्ले कर देते, फिर ये होगा कि आपके जो कमेंट्स हैं मुझे ना इन इन स्क्रीन को शफल करके इनके कमेंट्स डिस्प्ले कर देना फुल मोड के अंदर ही है, हो जाएगा। अच्छा, सो मैं आपसे ये बात कह रहा था कि जो है अभी आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त फर्स्ट एमसीक्यू डिस्प्ले है उसकी अगर हम बात करते हैं, इसको फुल मोड से हटाना नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट एमसीक्यू है उसमें मेंशन किया हुआ है कि आयनिक सॉलिड्स जो है कैरेक्टराइज्ड होते हैं किससे, किस प्रॉपर्टी से। सो इसमें जो डी ऑप्शन है इट इज़ द राइट वन, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो आयनिक सॉलिड्स हैं, ठीक है, दे विल बी डिजॉल्व इन साइड द वाटर इन साइड द पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है, बिकॉज दे आर दे कंटेन्स आयन, ठीक है। जब भी हम किसी आयनिक सॉलिड जो है, ठीक है, उसको जो है पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो वो फौरन से आयनाइज हो जाता है और आयन्स में कन्वर्ट होने के बाद क्या करेगा भाई, ठीक है, जो पोलर सॉल्वेंट के अंदर हमारे मौजूद पोलर एंड्स हैं, ठीक है, उनसे इंटरेक्शन फोर्सेज डेवलप कर लेगा, ठीक है जी। सो डी ऑप्शन इज द राइट वन। सेकेंड एम सी क्यू हमारे पास है आयनिक क्रिस्टल्स आर। अब देखो आयनिक क्रिस्टल्स की अगर हम बात करते हैं, यानी आयनिक सॉलिड्स की अगर हम बात करते हैं, तो चूंकि उसमें आयन्स हैं, केटाइन्स और एनायन्स हैं, सो केटाइन्स और एनायन्स होने की वजह से क्या होता है, क्योंकि चार्जेस हैं, तो चार्जेस में आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस काफी स्ट्रांग होती हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग होने की वजह से हम कहते हैं संभव कि ये हमारे पास कहें दे आर हार्ड इन नेचर, ठीक है, ये बहुत क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है जी, हार्ड इन नेचर जो है वो होंगे, ठीक हो गया। तो ये इनकी इनकी जो ये ए ऑप्शन है, ठीक है, ये हमारे पास राइट होगी, यानी ए ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल ठीक है जी। फुल स्क्रीन यूज़ करें, कर लिया है आयशा। इस वक्त मैं एक स्क्रीन पे आप लोगों को फुल मोड डिस्प्ले कर रहा हूँ, दूसरे पे जो है इस वक्त आपके कमेंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं, सो आप लोग जो है आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू की हम इस वक्त बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, वॉलेटिलिटी को भी एक्सप्लेन कर दें प्लीज़। वॉलेटिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये आई थिंक हमने कल भी ये चीज़ डिस्कस की थी। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि वो सब्सटेंस की जो क्या होता है एवेपोरेट हो सकता है, ठीक है, जो क्या होगा, जो एवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर भी एवेपोरेशन का प्रोसेस जिसके अंदर हो सकता हो, इसे हम वॉलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट की आप बात कर रहे हैं। सो देखो आपको ये पता होगा कि आयनिक सॉलिड जो है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर पुअर कंडक्टर्स होते हैं। देखो हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो दो रीज़न है, रीज़न क्या है, या तो ये कि कंडक्टिविटी के लिए जो है इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, या फिर फ्री मोबालाइज आयन फॉर्म जो है आयन्स अवेलेबल हों। अगर हम सॉलिड फॉर्म के अंदर आयनिक सॉलिड की बात करते हैं तो उसमें जो आयन्स होते हैं वो दे आर क्या कहते हैं रिमेन एट द स्पेसिफिक पोजिशन, ठीक है, सो वो हिलते नहीं है वहाँ से, ठीक है, चूंकि वो वहाँ से हिलते नहीं है तो कंडक्टिविटी नहीं होगी, इसलिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर वन का वो सॉलिबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स है, और दूसरा है आयनिक क्रिस्टल्स आर। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन रेज की जा रहा है कि सर एक का एक वन का भी ऑप्शन भी ठीक नहीं होगा क्या, नहीं ठीक होगा बहाव, क्योंकि सॉलिड फॉर्म के अंदर हम कहते हैं कि आयनिक सॉलिड्स जो हैं वो कंडक्टिविटी शो नहीं करते, सिर्फ मोल्टन फॉर्म में कर सकते हैं। सर सेकंड बिटल नहीं होगा सेकंड के आंसर के अंदर, नहीं बिल्कुल साथ, हार्ड इन नेचर होते हैं, ठीक है, आयनिक सॉलिड्स जो हैं, आयनिक क्रिस्टल्स जो हैं वो हार्ड इन नेचर होते हैं, ठीक है, टफ होते हैं, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है काफ़ी हायर होता है। थर्ड हम बात करते हैं टेबल सॉल्ट क्रिस्टलाइजेस, ठीक है, विद किस शेप में करेगा क्रिस्टलाइज अपने आप को, ये तीन और चार ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। फोरम से आपने जो है हर एक एमसीक्यू का नंबर मेंशन करके आपने उसका राइट ऑप्शन प्रोवाइड करना है मुझे, ताकि डिस्कशन जो है वो चलती रहे, ठीक है। क्वेश्चन थ्री की हम बात कर रहे हैं, सो क्वेश्चन थ्री जो है उसमें चार ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं और इसका बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बॉडी सेंटर ट्यूबिक, ठीक है जी, बॉडी सेंटर ट्यूबिक, ठीक है, ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन होगा, बॉडी सेंटर ट्यूबिक लेटस जो है इस फॉर्म के अंदर ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब एक चीज़ जो है वो मैं आपको मैं मेंशन करवा देता हूँ, एक चीज़ जो है मैं आपको बता देता हूँ, आप ही बात जानते हैं, हम जब NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, सो NaCl के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है,
बॉडी सेंटर क्यूबी के बेसिक तौर पे ये कौन सा हसी बता रहे हो हारून, आप कौन से का बता रहे हो मुझे जाना क्वेश्चन नंबर और साथ में फिर ऑप्शन मेंशन किया करें। थर्ड का ए नहीं हो सकता, ये बेसिक तौर पे बॉडी सेंटर क्यूबिक होता है। आपने जब शेप पढ़ी होगी NaCl की सो उसमें आपने देखा होगा कि एक आयन जो है वो एट द सेंटर ऑफ द होल क्या कहते हैं स्क्वेयर क्या कहते हैं क्यूबिक जो है क्यूबिक जो हमारे पास शेप बनती है उसके सेंटर में भी मौजूद होता है, इसे बॉडी सेंटर क्यूबिक कहते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है, वो आपने साथ में अपने पास नोट डाउन कर लेनी है। बॉडी सेंटर क्यूबिक, ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये ऑप्शन ठीक होगा। देखो जैसे हम बात करते हैं NaCl की, तो NaCl की बात करते हैं तो इसमें हम कहते हैं कि NaCl जो है, ठीक है, इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका है, कोऑर्डिनेशन नंबर की टर्म आप देखते हैं, एक्सप्लेन कर दे काइंडली MCQ नंबर 3। देखो MCQ नंबर 3 की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, NaCl की हम बात कर रहे हैं, टेबल सॉल्ट का मतलब होता है NaCl, ठीक है, और NaCl की अगर हम बात करते हैं तो NaCl की जो शेप है वो कुछ इस तरह की होती है। अब हर चीज़ बनानी पड़ रही है, चलिए कोई बात नहीं, ये शेप है वैसे तो आप हमारे पास NaCl की, और आप जानते हैं कि इसमें हम जब आयंस को जो है क्या करते हैं, इसमें जब हम आयंस को क्या कहते हैं अरेंज करते हैं, ठीक है, सो आयंस को अरेंज करते हुए हम देखते हैं कि दरमियान में सेंटर के अंदर भी हम इलेक्ट्रॉन सॉरी जो आयन है, ठीक है, उसको क्या करते हैं भी उसको हम जो है सेंटर के अंदर भी लगाते हैं। ठीक है, नॉट क्लियर, डिस्प्ले इज नॉट क्लियर, बिल्कुल क्लियर है भाई, अब तो सबको नजर आ रहा है शीजा, तमाम के तमाम जो है वो ऑप्शन भी सही प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मैं आपको कह रहा हूँ कि जब हम NaCl का स्ट्रक्चर राइट करते हैं, सो NaCl के स्ट्रक्चर के अंदर दरमियान में आप देखते हैं कि बॉडी के सेंटर के अंदर भी एक आयन जो है हम प्लेस करते हैं, सो इसलिए इसको बॉडी सेंटर हम कह रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो यह करना है आपने कि देखो आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की टर्म, कोऑर्डिनेशन नंबर की टर्म का मतलब क्या होता है कि एक आयन को कितने ऑपोजिट आयन सराउंड करेंगे एक वक्त में, इसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, और आप ये बात जानते हैं कि NaCl के स्ट्रक्चर के अंदर हर एक पॉजिटिव आयन सोडियम पॉजिटिव आयन 4 क्लोराइड आयन से जो है वो क्या होता है जुड़ा मतलब घिरा होता है। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इनसाइड द NaCl, ठीक है, आप ही मार्क करेंगे NaCl में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है, वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इनसाइड द NaCl ये बेसिक तौर पे हमारे पास 4 होता है। ठीक है, सो 4 बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर है। ठीक हो गया, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास क्या होगा, 4 होगा, सिर्फ बॉडी सेंटर्ड तो NaCl का होता है, यही मैं लिखने लगा था, असीफ उसका भी होता है, अभी मैं राइट भी करूंगा आपके लिए। ठीक है, सो मैं आपसे बात कह रहा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर NaCl क्या है, 4 है, इस तरीके से यानी इसका 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और CsCl जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, आपने ये बात ध्यान में रखनी है, आप इसको अपने पास मेंशन भी कर लेंगे। CsCl जो है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास क्या होगा, इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास जो है वो क्या होगा भाई, ये बेसिक तौर पर 8 है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे क्लैरिटी आपको प्रोवाइड कर सकूँ, यहाँ पर मैंने अभी आपसे कहा 4 नहीं, वैसे तो पे 6 होता है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl इज 6, ठीक है, 6 होगा, बिल्कुल मैं इसको करेक्ट भी कर लेता हूँ क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, 6 हमारे होता है कोऑर्डिनेशन नंबर इनसाइड NaCl होता है। यहाँ पर जो है थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करता चलूँगा, जी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करता चलूंगा आप लोगों के साथ, और कोऑर्डिनेशन नंबर के हवाले से आपको जो है जस्ट पिक्चर क्लियर कर दूं कि क्या हो रहा है। जी जी, अगर जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर एट हो तो हम कहते हैं बॉडी क्या है भाई, हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास ओवरऑल शेप बनेगी वो बेसिक तौर पे बॉडी सेंटर क्यूबिक होगी, BCC जिसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक होगी। अभी कर लेते हैं इसको साथ, बेफिक्र रहे, डिस्टेंस बिटवीन बिल्कुल अभी देख लेते हैं इसको भी, अब बता देता हूँ निशान में आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के साथ जो शेप बनती है वो बनती है हमारे पास बॉडी सेंटर क्यूबिक बनती है, और CsCl जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, सो इसकी जो शेप बनेगी वो भी बॉडी सेंटर क्यूबिक ही बनेगी। ठीक है, इसमें जो है कोऑर्डिनेशन नंबर में चेंज क्यों है या इसकी ओवरऑल शेप में चेंज क्यों है, रीज़न यही है कि हमारे पास जो कीटानिक पार्ट इसका है यानी कि सीजियम जो हमारे पास है इसका बड़ा होता है, तो साइज बड़े होने की बुनियाद पर हम कहते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा होगा और इसकी शेप भी जो है डिफरेंट होगी। NaCl की जहां तक बात है, अभी आप लोग यहां पर जो है वो बात कर भी रहे थे, ठीक है, यानी कि फेस सेंटर्ड होना चाहिए, तो उसके बाद से मैं थोड़ी सी क्लैरिटी आपको प्रोवाइड कर दूं। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 होता है, इससे रेलेवेंट जो शेप होती है जो हम नॉर्मली तौर पर देख रहे होते हैं वो फेस सेंटर्ड ही होती है। ठीक है,
फेस सेंटर्ड ही होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक ही हम मेंशन कर रहे होते हैं फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, आपने ये चीज मेंशन कर लेनी है। ठीक हो गया, अपने पास आपने ये चीज मेंशन कर लेनी है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 कंटेनिंग जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं इनकी फेस सेंटर्ड क्यूबिक ही होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 वाले जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं इनकी जो शेप होती है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ही होती है। सीजियम क्लोराइड जो है इसकी जो शेप है जो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 है। NaCl की बात हम करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, 6 होगा। अब यहाँ पर आते हैं और हमारे पास जो टेबल सॉल्ट क्रिस्टलाइज विद, ठीक है, जो बॉडी यानी जो शेप बनती है किस चीज़ की, NaCl की। उसमें कन्फ्यूजन थी क्योंकि मैं जो है आपसे कह रहा था बॉडी सेंटर और आप सब कह रहे थे कि फेस सेंटर्ड है। सो उस हवाले से मैं आपको क्लियरिटी देता चलूँ कि जब आप लोग जो है NaCl का की बात करते हैं और NaCl के स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं सो उसमें आप देखते हैं कि एक आप जो है आयन को एट द सेंटर ऑफ द बॉडी भी लोकेट करते हैं। सो इसलिए जो है मैं आपसे कह रहा हूँ कि बॉडी सेंटर है। सर हाउ मेनी NaCl यूनिट्स आर प्रेजेंट इन पर यूनिट, ठीक है, सेल्स, उसमें वो 4 होगा। इस हवाले से मैं जो है आप लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहा था तो वो बिल्कुल क्लियरिटी हो जानी चाहिए कि एक हमारे पास जो NaCl का हमारे पास एक कंप्लीट यूनिट सेल होता है, ठीक है। सो उसके अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, 4 Na प्लस और जो है 4 Cl नेगेटिव होते हैं। सर CO फाइन जी, हाँ ठीक है, उसको फुल मोड पे कर लेना, जो स्लाइड शेयर है उसको स्लाइड को ताकि क्लियर है, वो दिख नहीं रही ना लोगों को। अच्छा सर CO फाइन कैसे करते हैं, CO फाइन कोऑर्डिनेशन नंबर फाइन कैसे करते हैं? सो वहाँ हम देखते हैं कि एक स्पेसिफिक आयन जो है उसको कितने ऑपोजिट चार्जेस ने, कितने ऑपोजिट आयन्स ने सराउंड किया होता है। सो एक Na प्लस को 6 क्लोराइड आयन्स ने सराउंड किया होता है, वो किस तरीके से, लेट सपोज ये एक Na प्लस आयन है, इसको यहाँ पे भी जो है एक यहाँ पे भी क्लोराइड आयन होगा, यहाँ भी क्लोराइड आयन होगा, यहाँ भी क्लोराइड आयन होगा, इधर भी क्लोराइड आयन होगा। इस तरीके से जो है चूंकि ये 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल नहीं है, तो इसके पीछे एग्जैक्टली टॉप पे क्लोराइड आयन होगा और इसके फ्रंट पर भी एक क्लोराइड आयन होगा। सो एक चार्ज को कितने ऑपोजिट चार्ज सराउंड करते हैं इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इज 6, ठीक है। इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड, ठीक है, यानी कि हम कहते हैं एक क्लोराइड आयन कितने जो है वो चार्जेस के साथ सराउंड होगा, वो भी जो है 6 के साथ ही सराउंड होगा, ठीक है जी। कोवेलेंट सॉलिड्स आर कंपोज, अब यहां पर हम कोवेलेंट सॉलिड्स की बात हम करेंगे। अच्छा एक चीज आपने जो है नोट डाउन करनी है, किसके अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl के अंदर, वो क्या है कि ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है और सेम चार्जेस के दरमियान जो है वो डिस्टेंस कितना होता है, ठीक है जी। ऑपोजिट चार्जेस और सेम चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना रहता है ये हम बेसिक तौर पे देखेंगे। ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है, यानी जो हम कहते हैं कि दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस होगा, ये होता है 2.815 एंगस्ट्रॉन्ग, और सेम चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस बेसिक तौर पे हमारे पास होता है वो 5.63 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम इसको हाफ करेंगे तो ऑपोजिट चार्जेस का डिस्टेंस आ जाएगा। सो इस चीज़ को आपने जो है वो नोट डाउन कर लेना है, अपने पास जो है मेंशन कर लेना है, ठीक है भाई। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है लेटेस्ट एनर्जी। उस हवाले से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जो है लिख पाऊंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है वो मेंशन करूंगा और उसके बाद हम चलेंगे टुवर्ड्स द कोवेलेंट सॉलिड्स, ठीक है जी। लेटेस्ट एनर्जी के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मैं चाहूंगा आप लोगों से शेयर करूँ, उसके बाद हम फिर चलेंगे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हमारा MCQ है उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। अगर हम लेटेस्ट एनर्जी की बात करते हैं, देखो हम ये बात जानते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी है क्या। लेटेस्ट एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है कि ठीक है सही है ठीक है बिल्कुल ठीक है काफ़ी है। लेटेस्ट एनर्जी के बारे में हम कहते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी वो अमाउंट ऑफ, थर्ड MCQ का आंसर फिर बी होगा, एग्जैक्टली बिल्कुल बी, ठीक है। मैं इसके ऑप्शंस आपको राइट ऑप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, ये अपलोड कर दूंगा, ठीक है जी। अच्छा मैं आपको कह रहा था लेटेस्ट एनर्जी की बात हम कर रहे थे, लेटेस्ट एनर्जी होती क्या है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी के जब हमारे पास क्या होगा कि एक आयनिक कंपाउंड बनेगा फ्रॉम इट्स क्या कहते हैं फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस, ठीक है, जिस आयन से मिलकर बनता है, ठीक है। जब भी हम कहते हैं कि एक जो डिस्टेंस लिख दें प्लीज भाई, डिस्टेंस सेम चार्जेस के दरमियान आपकी बुक में मेंशन है ये चीज़, तो आप लोग अगर जो जितना टाइम आप लोग जो है कम कंज्यूम करवाएंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, आप लोग जल्दी जल्दी कवर कर पाएंगे। सेम चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5.63 एंगस्ट्रॉन्ग है और डिफरेंट चार्जेस के दरमियान हम कहते हैं जो हमारे पास जो है डिस्टेंस है वो 2.83 एंगस्ट्रॉन्ग है, 2.83 एंगस्ट्रॉन्ग, ये मैंने मेंशन कर दिया। लेटेस्ट एनर्जी की बात कर रहा था
और लेटेस्ट एनर्जी के हवाले से मैं आपसे कह रहा था कि क्या होता है। जैसे तौर पर लेटेस्ट एनर्जी के बारे में कह रहा था कि लेटेस्ट एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है कि जब हमारा एक आयनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है। सो आयनिक कंपाउंड जब बनेगा तो उससे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसे हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं, या वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी एक आयनिक कंपाउंड को उसके आयंस में तोड़ने के लिए रिक्वायर होती है, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होती है, वैसे तौर पर हमारे पास है क्या, लेटेस्ट एनर्जी कहलाती है। अब लेटेस्ट एनर्जी के हवाले से मैं कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है आपसे शेयर करना चाहूँगा, और लेटेस्ट एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उस हवाले से मैं आपको बताऊँगा, ठीक है जी। लेटेस्ट एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, सो उस हवाले से मैं आपको क्लियर करता हूँ। लेटेस्ट एनर्जी की बात हम करें तो हम कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रपोर्शनल है, लेटेस्ट एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करती है, यानी डायरेक्टली प्रपोर्शनल किसके हैं, चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रपोर्शनल है, चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, ठीक है जी। चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और लेटेस्ट एनर्जी जो है इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है जी। साइज के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं, लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के, और लेटेस्ट एनर्जी जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। सर फाइनली टेबल सॉल्व FCC होता है या BCC, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। मैं बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जितने भी होते हैं कंपाउंड, मोस्टली तौर पर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होंगे, ये जो है FCC होते हैं। लेकिन अगर आप NaCl की बात करते हो तो NaCl ने आपने खुद भी ये चीज़ रियलाइज की होगी कि हम जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो एक आयन को एट द सेंटर ऑफ द बॉडी मेंशन करते हैं, इसलिए हम BCC को कह रहे हैं। सर ये MCQ कब अपलोड होंगे, जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा। ये आपने पॉइंट मेंशन कर लिया है, लेटेस्ट एनर्जी जो है चार्ज डेंसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम कहते हैं, यानी साइज भी हम कह सकते हैं, चार्ज पर यूनिट साइज, ठीक है। यानी कि जितना हमारे पास जो है कोई एक आयन जो है, ठीक है, उसका साइज छोटा होगा उतनी ही चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जितनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी ही लेटेस्ट एनर्जी जो है हम कहते हैं कि ज़्यादा होगी। और लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है कि फिर उतनी ही एनर्जी रिक्वायर होगी इस तरह के आयनिक कंपाउंड को उसके कंस्टिट्यूएंट आयंस में तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, ठीक हो गया। तो चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेटेस्ट एनर्जी के, और साइज जो है जितना लार्जर होगा केटाइन का इवन या एनाइन का, सो हम कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी कम होगी, उतने ही जो है वीकर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डेवलप होंगी बिटवीन केटाइन्स एंड एनाइन्स, ठीक है जी। ये चीज़ आपने जो है अपने पास मेंशन कर लेनी है, ठीक है। और ये चीज़ भी आप देखिएगा कि फॉर्मेशन जो है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड यानी आयनिक जो हमारे पास सॉलिड बनता है, आयनिक सॉलिड जो है, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन जो है, इसकी फॉर्मेशन बेसिक तौर पर हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। और आयनिक सॉलिड की अगर हम बात करते हैं, आयनिक सॉलिड जो है लेटेस्ट एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑपोजिट होती है। मोहम्मद, लेटेस्ट एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो समहाउ कोरिलेट करते हैं, लेकिन ये बता दूं आपको कि इनका आपस में कोई लिंक नहीं बनता। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि एक स्पेसिफिक एटम को आयन में कन्वर्ट करना, और उन आयन से ही मिलकर हम कहते हैं कि हमारे पास एक आयनिक सॉलिड बनता है। जब ये आयनिक सॉलिड बन रहा होता है तो उसमें जो एनर्जी एक्सचेंज होती है इसे हम कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी। सर MCQ का सोल्यूशन भी अपलोड होगा, एग्जैक्टली अपलोड करूंगा। सर साउंड कम है, साउंड तो बिल्कुल ठीक है यार, बिल्कुल मेरा माइक भी इस पर चल रहा है, ठीक है। अच्छा, लेटेस्ट एनर्जी वाला रिपीट करते हैं। लाइबा, मैं यही बता रहा था आपको कि लेटेस्ट एनर्जी के हवाले से कि लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के, और इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। वेन एवर वी हैव ग्रेटर साइज ऑफ केटाइन और एनाइन द लेटेस्ट एनर्जी विल बी लेस, ठीक है। और वेन वी हैव द स्मॉलर साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन द लेटेस्ट एनर्जी विल बी लार्जर, ठीक है। एंड चार्ज डेंसिटी विल डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक सॉलिड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द ऑपोजिट चार्ज। जितनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी ही हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ही लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। और आयनिक सॉलिड फॉर्मेशन एंडोथर्मिक होता है, और जो हमारे पास एक्सोथर्मिक होता है, इसको हम जरा मिसअंडरस्टूड कर गए, ठीक है, एक्सोथर्मिक होता है। मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा जो है मेरे एंड पर आपको लगेगा कि जो है थोड़ा सा इस चीज को, ठीक है, लेकिन इसको ठीक भी कर दूंगा क्योंकि आज मुझे फीवर भी है। मेरी कोशिश पूरी थी कि मैं आप लोगों से मुलाकात करूँ, आप लोगों का लेक्चर लाजमी लूँ,
क्योंकि लेक्चर अगर जो आपका नहीं होगा तो फिर आपका टाइम ज़ाया होगा, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं आऊँ भी और आपका लेक्चर भी डिलीवर करूँ। तो थोड़ी बहुत अगर इधर उधर हो जाती है सो उसको आपने इग्नोर करना है, मैं ठीक कर लूँगा उसको, ठीक है। सो आयनिक सॉलिड जो फॉर्मेशन है उसमें एनर्जी निकलती है, यही हमने लेटेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन में भी देखा हुआ है। सो ये एक्सोथर्मिक होगा, और जब आयनिक सॉलिड जो है वो ब्रेक होता है, ठीक है, टूटता है, सो ब्रेकिंग का जो अमल है ये बेसिक तौर पर हमारे पास क्या है, ये बेसिक तौर पर हमारे पास एंडोथर्मिक होता है, ये एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक, ठीक है जी। ब्रेकिंग का अमल जो है वो एंडोथर्मिक होगा, और जो फॉर्मेशन का अमल है ये एक्सोथर्मिक होगा। सर सी ए प्लस टू इज आयनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद आर्गॉन। देखो अगर हम बात करते हैं ना, हीलियम है, फिर नियॉन है, फिर आर्गॉन है, ठीक है, हीलियम, नियॉन और फिर आर्गॉन आता है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कैल्शियम कहाँ आता है, कैल्शियम एग्जैक्टली तौर पे हमारे पास ग्रुप टू का सेकंड मेंबर है। अगर दो इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो 18 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, और आर्गन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन 18 ही होते हैं। बिल्कुल ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है। ये एमसीक्यू पास्ट पेपर्स में से है, एग्जैक्टली तौर पर हम कोशिश पूरी करते हैं कि जो कुछ भी हम आपको डिस्प्ले करें वो पास्ट पेपर्स में से हो, ताकि आप लोगों को जो है अच्छी जो है वो प्रिपरेशन आप लोगों की हो सके, ठीक है भाई। अच्छा मैंने आप लोगों से जो है ये चीज़ें शेयर की, अब हम आगे चलेंगे कोवेलेंट सॉलिड की बात करेंगे, और कोवेलेंट सॉलिड की बात हम जल्दी से जो है चीज़ें जो है वो शेयर करते हैं। वो बेसिक तौर पर हमारे पास क्या है कि कोवेलेंट सॉलिड्स में जो पहला एम सी क्यू हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा है, कोवेलेंट सॉलिड्स आर कंपोज ऑफ न्यूट्रल एटम्स, ठीक है। कोवेलेंट सॉलिड्स वो टाइप ऑफ सॉलिड्स हैं कि जिनको हम कहते हैं कि जो बनते हैं न्यूट्रल एटम्स से मिलके, आपस में थ्री डायमेंशनल तौर पे एटम्स कंबाइन होंगे, और इनसे जो है हमारे पास क्या होगा, एक सॉलिड बनेगा जिसको हम कोवेलेंट सॉलिड का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है जी। सो न्यूट्रल एटम इसकी बेस्ट ऑप्शन है। डायमंड इज़ बैड कंडक्टर ऑफ कंडक्टर बिकॉज, क्यों, रीज़न क्या है, हम देखो जानते हैं कि कंडक्टेंस के लिए दो रीज़न रिक्वायर होती हैं, और हम कहते हैं कि या तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों या फ्री आयंस हों जो मोबिलाइज हों जो मूव कर सकें। सो डायमंड के अंदर ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ना फ्री आयंस हैं, तो हम कहते हैं देर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द क्रिस्टल ऑफ डायमंड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो इसका सी ऑप्शन बेसिक तौर पर हमारे पास राइट होगा, ठीक है। सो कोवेलेंट सॉलिड्स के हवाले से मैंने आप लोगों से ये दो एम सी क्यू शेयर किए। अब मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़ें आप लोगों को मार्क करवा दूँ, आपके पास बुक होगी सो उसमें आपके पास कोवेलेंट सॉलिड्स जो है टॉपिक, ठीक है, वो आप कहते हैं कि आपके पास विजिबल होगा, कोवेलेंट सॉलिड का टॉपिक जो है वो ओपन होगा। सो उसमें एक तो ये कि आपने मेंशन कर लेना है इसके साथ टू टाइप्स होती हैं कोवेलेंट सॉलिड्स की, टू टाइप्स होती हैं, आप मेंशन कर लेंगे अपने पास, ठीक है, और उसमें जो वन और टू ऑप्शन है इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन द कोवेलेंट सॉलिड्स जॉइन फॉर्म गेन्ड मॉलिक्यूल, ठीक है, लाइक डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, और एल्यूमिनियम नाइट्राइड। सो ये भी आप अंडरलाइन करेंगे, और इसके साथ हमारे पास जो है व्हेन एटम जॉइन टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, एंड सेपरेट लेयर्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, दैट इज लाइक ग्रेफाइट, कैडमियम आयोडाइड एंड बोरॉन नाइट्राइड, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या बनता है, आपको कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोवेलेंट सॉलिड इज सिंपली कंटेन लेयर्स, ठीक है। सो उसमें आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर देगा, अगर आपको जो है ये पता होगा तो आप उसमें से टिक कर पाएंगे। ये पेज नंबर 104 103 था, ठीक है। सो इन दो पॉइंट्स को आपने जरूर मार्क कर लेना है, इस हवाले से जरूर जो है आप लोग क्या करेंगे इसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है जी। सो अब मैं जो है चाहूँगा कि अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करूँ, हम बहुत टाइम कंज्यूम कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, और अपने इस वक्त हम काफ़ी टाइम लगा रहे हैं इसके ऊपर। हमारा टारगेट है कि हम चैप्टर नंबर जो है जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर क्या है 5, उसको भी डिस्कस कर सकें। तो जल्दी जल्दी चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो है स्लाइड पे हम मूव करते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड की इस वक्त हम बात करते हैं, ये स्लाइड नंबर 2 है, आपकी स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो चुका होगा, आपकी स्क्रीन पर स्लाइड नंबर 2 जो है वो आ गई होगी, एग्जैक्टली आ चुकी है, ठीक है भाई। सो अब जो है नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है उसके अकॉर्डिंग हम जो है आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बेसिक टॉपिक क्या है, कार्बन एटम इन ऑफ डायमंड आर, यानी कौन सी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर होती है, ये चीज़ आपने देखनी है। सो इसमें बेसिक तौर पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 है, या अनहाइब्रिडाइज्ड है। सो इसमें ऑप्शन कौन सी बनती है, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगी। बेसिक तौर पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है जो पॉसिबल इसका आंसर है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। सो sp3 जो है हम कहते हैं कि ये हमारे पास होती है sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बनता है 6 का। 7 का फॉर्मेशन बता दें जल्दी से, 7 के अंदर हम कह रहे हैं द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड लुक्स लाइक, अब कौन सी टाइप जो है कौन सा इसकी शेप कौन सी होती है। सो इसकी ऑप्शन हमारे पास क्या है भाई, इसकी ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, 7 की ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन आप क्या देखते हैं कि कौन सी है,
सेवन की हम देखें तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, ठीक है। सो फेस सेंटर्ड क्यूबिक हमारे पास बनती है, इसको आप हाईलाइट भी कर लेंगे। ये बेसिक तौर पे पेज नंबर 105 की जो फर्स्ट लाइन है उसमें मेंशन किया हुआ है कि ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो है शेप का होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो है इसकी शेप होती है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक हमने कोवेलेंट सॉलिड को कंप्लीट कर लिया है, हम चलेंगे टूवर्ड्स द मॉलिक्यूलर सॉलिड। आप रीड आउट करेंगे इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को, मैं थोड़ा सा वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मॉलिक्यूलर सॉलिड होते क्या हैं, ठीक है जी। हम ये बात कहते हैं कि जो कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, सॉरी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, सर स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लें भाई, इतना मेरे ख्याल से बिल्कुल मुनासिब है, आई थिंक आपको दिख भी रहा होगा। चलें, अब आई थिंक आपको और विजिबल हो जाएगा, ठीक है। इस वक्त मैं आपसे कह रहा था कि मॉलिक्यूलर सॉलिड की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। सो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, ये वो टाइप ऑफ सॉलिड हैं जिसमें कि हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एक मॉलिक्यूल होता है, जिसके थ्री डायमेंशनल तौर पर रिपीट करने से अपने आप को एक सॉलिड बनता है, जिसको हम मॉलिक्यूलर सॉलिड कह रहे होते हैं, ठीक है जी। सो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होंगे, दे कंटेन्स द मॉलिक्यूल, ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन देम, ठीक है, आर मॉलिक्यूल्स, ठीक हो गया। सो इस हवाले से जो है अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें मार्क करवा देता हूँ और फिर उसके बाद हम चलेंगे एमसीक्यूज की तरफ, और एमसीक्यू जो है वो देखेंगे। आपने पेज नंबर 105 अपनी बुक का निकाला होगा, जिसमें कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो है बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, हम ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास दो तरह के सॉलिड होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड दो तरह के होते हैं। सर एमसीक्यू 6 को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। 6 के हवाले से देखो, कार्बन एटम ऑफ डायमंड, ठीक है, और अब इसमें तो जस्ट स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताई भी है, आपकी बुक में भी मेंशन किया हुआ है कि sp3 होती है। इसमें हम कहते हैं कि जो कार्बन है, ठीक है, देखो डायमंड सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है जी, और इनकी आपस में जो लिंकेज है जिसमें हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं वो बनता ही जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू है। तो इसमें अब देख लें, इसमें कोई और गुंजाइश को डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों से कह रहा था कि मॉलिक्यूलर सॉलिड के हवाले से आपने जो चीज़ मार्क करनी है अपनी बुक के ऊपर, दो टाइप के होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है, डिपेंड करता है कि किस तरह की उनके अंदर जो है वो इंटरेक्शन फोर्सेज मौजूद हैं, ठीक है। ये मेंशन भी किया, दो तरह की इंटरेक्शन फोर्सेज होती हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, एक हमारे पास डायपोल इंटरेक्शंस हैं और दूसरा हमारे पास है वंडर वाल फोर्सेस। तो ये दोनों आपने मार्क करनी है, वंडर वाल फोर्सेस हैं और एक डायपोल इंटरेक्शंस हैं, ये आप मार्क करेंगे। और उसके बाद नीचे एग्जांपल मेंशन की भी है कि पोलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की क्या एग्जांपल है और नॉन पोलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की क्या एग्जांपल है, यानी कि अगर जो हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड पोलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना है तो वो पोलर सम टाइप ऑफ जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, और अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो क्या है, वो जो है नॉन पोलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है तो हमारे पास वो नॉन पोलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएगा। यहाँ पर आइस और शुगर की एग्जांपल मेंशन की भी है, जो कि हमारे पास क्या है, हैविंग पोलर मॉलिक्यूल्स, वेयर एज आयरिन सल्फर फॉस्फोरस एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म द मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, ठीक है, कंटेनिंग नॉन पोलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसको आप जरूर जो है हाईलाइट करेंगे। स्लाइड डबल हो गई हैं, डबल मतलब किस तरीके से डबल हो गई है बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा, आप जरा मुझे बता दीजिएगा। इस वक्त मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आपकी जो बुक में है उसमें मैंने मार्क करवा दी है, आगे चलेंगे और आगे जो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन है, उसमें आपने जो चीज़ मेंशन करनी है उसमें उसका जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो आपने जो है नोट डाउन करना है। डायमंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, एग्जैक्टली बिल्कुल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। अच्छा, आयोडीन के स्ट्रक्चर की बात करें, सो आयोडीन के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास बॉन्ड डिस्टेंसेस मौजूद हैं। अगर हमारे पास ये क्या हो कि अगर जो है ये हमारे पास गैशियस फॉर्म के अंदर हो आयोडीन, ठीक है, I2 फॉर्म के अंदर, सो इसका जो बॉन्ड डिस्टेंस है ये 271.5 होता है, और अगर ये सॉलिड फॉर्म के अंदर हो तो इसका जो है हमारे पास 266.6 जो है वो पाइकोमीटर होता है, ठीक है, ये आप जहन में रखेंगे। बाकी जो शेप बनती है किसकी, आयोडीन की, हमारे पास जो कंपाउंड यानी जो आयनिक मॉलिक्यूलर सॉलिड उसकी जो शेप है वो भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। सो आप इसको मेंशन कर लीजिएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक हमारे पास ये शेप बनती है, ठीक हो गया। अब ये चीज़ें मैंने आपको मार्क करवा दी हैं और उसके बाद सर ऊपर स्लाइड रिमूव कर दें, कौन सी स्लाइड भाई, ऊपर कौन सी स्लाइड आपको शो हो रही है, जी अब आपको आई थिंक मेरे ख्याल से एक ही स्लाइड नजर आ रही है, जस्ट एक ही स्लाइड आपको डिस्प्ले हो रही है जो कि इस वक्त सेकंड है, सेकंड जो है स्लाइड आपको डिस्प्ले हो रही है जिसको मैं इस वक्त दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं स्लाइड की तरफ, हमने जो है 7 एमसीक्यू कंप्लीट किए थे, 8वें की बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, ठीक है, आर जनरली सॉफ्ट होते हैं क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल के दरमियान वीक टाइप ऑफ इंटरेक्शन होती हैं, तो इसका बी ऑप्शन जो है राइट होगा। 8 एमसीक्यू का बी ऑप्शन जो है हम देखते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंडक्टर बट इज नॉट मेलिएबल, हम चले गए टूवर्ड्स द
लास्ट टॉपिक जो कि हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, जो कि है हमारे पास मेटालिक सॉलिड। ठीक है, देखो आप ये बात जानते हो कि जो है हमारे पास जो मेटल्स होते हैं सर, बॉन्ड डिस्टेंस कम किन कंपाउंड से आता है, किन कंपाउंड से आता है भाई? बॉन्ड डिस्टेंस क्या है तौर पर? बॉन्ड डिस्टेंस इज द कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई जो कि हम कहते हैं आपस में बॉन्डेड होते हैं। तो ये तो हर किसी कंपाउंड के लिए होगा, डबल शो हो रही है इस वक्त सर। आई थिंक अब क्लियर हो चुका होगा, एक ही स्लाइड आपको डिस्प्ले हो रही होगी, एक ही स्लाइड आपको नजर आ रही होगी जो कि मैं इस वक्त आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। सिर्फ एक ही स्लाइड है सर। बॉन्ड डिस्टेंस सॉलिड में ज़्यादा क्यों होता है? देखो सॉलिड में बॉन्ड डिस्टेंस कम होता है, 266.6 पाइकोमीटर है इन सॉलिड फॉर्म और 271 पाइकोमीटर है इन गैसेस फॉर्म। व्हाई? बिकॉज इन वी नो दैट इन सॉलिड द पार्टिकल्स विल क्लोज विल क्या कहते हैं बिकम्स क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है, करीब आ जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं बॉन्ड डिस्टेंस कम हो जाएगा। सर व्हाई आयोडीन इज पुअर कंडक्टर? बिकॉज इट नेवर कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री आयंस। ठीक हो गया। अच्छा, बहुत छोटे छोटे से बेसिक किस्म के क्वेश्चंस करते हो और इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं किसी भी ई कैट स्टूडेंट से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो करेगा, क्योंकि ये बहुत माइनूट सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, इस वक्त हम बात कर रहे हैं, देखो मेरिबल का मतलब सिंपल तौर पर क्या होता है? मेटल्स, हम जानते हैं कि हम मेटल्स को एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हुए शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि फिर कौन सा जो है हमारे पास जो है कंडक्टर है कि जो वेरिएबल नहीं है, तो वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट के बारे में हम कहते हैं कि भी ये नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, यही चीज मेंशन की हुई जो मैंने आपको भी बताई है और यही चीज मैं आपको जो है डिस्प्ले कर रहा था मोहम्मद, जो कि मैंने आपको बताया भी इस वाले से। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। क्यों नहीं होता सात? क्यों इसलिए नहीं होता कि भाई हमारे पास जो ये ग्रेफाइट है, ठीक है, हम इसके बारे से कहते हैं कि ये जो हमारे पास ग्रेफाइट है, ठीक है, ये मेलिएबल है, यानी सॉरी कंडक्टर है, क्योंकि इसमें पैरल अलोंग द पैरल लेयर्स, ठीक है, हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं और जो है हम कहते हैं कि ये बेसिक तौर पर कोवेलेंट सॉलिड है, ये मेटेलिक सॉलिड है ही नहीं। ठीक है, तो मेटेलिक सॉलिड नहीं है तो हम कहते हैं कि हमारे पास फिर क्या होगा कि जो है हम इसको इस पर प्रेशर अप्लाई करते हुए इसको शीट्स एंड वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और सर बॉन्ड डिस्टेंस का यूनिट बता दें, सो पाइकोमीटर होता है, हम पाइकोमीटर में जो है इसको मैंशन कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है? विच वन इज कंडक्टर बट इज नॉट मेलेबल? ये तो हो गया। हम इस वक्त जो है 10 की बात कर लेते हैं। देखो हम इस वक्त जो है मेटेलिक सॉलिड की बात कर रहे हैं, सो मेटेलिक सॉलिड के अंदर जो चीज़ आपने अंडरलाइन करनी है वो क्या है कि जो तीन थ्योरीज थी, ठीक है, वो थ्योरीज आपने जरूर जो है अंडरलाइन कर लेनी, उनके जो फर्स्ट लाइन्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। फर्स्ट थ्योरी, मेटेलिक बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन पोल और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, यानी आप इसको अंडरलाइन करेंगे। मेटेलिक सॉलिड की बात से मैं आपसे कह रहा हूँ कि तीन थ्योरीज हैं उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। सो उसमें जो लाइन मेंशन की हुई है, द फर्स्ट थ्योरी मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन पोल और इलेक्ट्रॉन गैस, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, और मैं इस पर आया हूँ, आयशा अभी बताता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास है वो क्या है कि एल पॉलिंग जो हैज़ ट्राइड टू एक्सप्लेन द मेटेलिक बॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड, सो इसको आप अंडरलाइन करेंगे। और थर्ड पैराग्राफ यानी लास्ट पैराग्राफ जो है उसमें आप जो है देखेंगे कि जो है हमारे पास जो लास्ट अटेम्प्ट थी, थर्ड जो हमारे पास थ्योरी थी जिसकी बेस पर हमने एक्सप्लेन किया था मेटेलिक सॉलिड के स्ट्रक्चर को, वो इस तौर पर हमारे पास क्या थी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी। ठीक है, MOT की बेस पर हमने किया था। ठीक है, सो ये करेंगे सर, व्हाट इज ऑर्थोरॉम्बिक अरेंजमेंट? अभी देख लेते हैं, अभी आए तो उस वक्त तक वहां तक पहुंचते हैं तो अभी बता देते हैं आपको। ठीक है, अच्छा ये आपने अंडरलाइन करना है और अब हम आ जाएंगे इन MCQs की तरफ। व्हेन द एटम्स ऑफ थर्ड लेयर आर अरेंज्ड, ठीक है, इन सच अ वे दैट दे डायरेक्टली लाय अबव द एटम्स, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट लेयर, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज AB टाइप, जिसको हम हेक्सागोनल कहते हैं और आप इसको मार्क भी करेंगे। 109 पेज के ऊपर जो आपको दो पिक्चर्स प्रोवाइड की गई हैं उसमें हेक्सागोनल पैकिंग है और जो हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग है उस वाले से उसने अरेंजमेंट बताई भी आपको। ठीक है, सो आप उसको मार्क भी कर लीजिएगा। ठीक हो गया, उसको आप देख भी लीजिएगा। ठीक है जी, और बाकी जहाँ तक रही बात जो है ऑर्थोरॉम्बिक और रोम्बोहीड्रल की बात रही, सो अगर आपके पास बुक मौजूद है सो आप बुक के पेज नंबर में आपको बता देता हूँ, आपको जो है उसमें शेप मिल जाएगी। पेज नंबर है 100, उस पर आप ये शेप्स देख सकते हैं, ऑर्थोरॉम्बिक अरेंजमेंट या जो दूसरी हमारे पास रोम्बोहीड्रल है उसकी शेप आप देख सकते हैं। 11 जो MCQ है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इन 29.25 ऑफ कॉमन सॉल्ट, इसकी हम बात कर रहे हैं। देखो अगर हम बात करते हैं कॉमन सॉल्ट की, यानी NaCl की बात करते हैं, तो बेसिक तौर पर इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या, यानी कि फार्मूला जो यूनिट है, ठीक है, फार्मूला यूनिट मैस है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास?
एनएसएल की अगर हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला यूनिट मास जो है 35.5 है। अगर हम इतने ग्राम्स लेंगे तो इसमें हमारे पास 6.02 इंटरनेस पर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अगर मैं इसको हाफ कर देता हूँ जो कि बन जाएगा 29 पॉइंट कितना यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 25 ठीक है ग्राम, सो ये भी हाफ हो जाएगा ठीक है। सो ये बच जाएगा 3.01 इंटू 10^23 ठीक है। सो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का राइट होगा। सर एक लिहाज से एक लफ्ज़ भी समझ नहीं लग रहा, खाली आप पहले तरह से थोड़ा टॉपिक पढ़ा दें और फिर एक या दो एमसीक्यू करवा दें। अब्दुल्ला देखो मैं बताऊँ आपको, मैंने आपको बताया भी कि हम जब एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसमें हम ऑलमोस्ट टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब भी मैं एक टॉपिक स्टार्ट करता हूं सो उसमें मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा बहुत ब्रीफ करके फिर एमसीक्यू की तरफ आऊं। सो वही चीज़ हम लेके चल रहे हैं अभी तक, तो अभी तक तो मैंने वही काम किया है। अच्छा 10 का बी ही है एग्जैक्टली जो है इसका, नहीं नहीं ए होगा इसका, हम कहते हैं कि हेक्सागोनल ए बी टाइप हमारे पास होता है। सो 10 का ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन और 11 का बी ऑप्शन राइट है। मैंने आपको बताया भी कि 35.5 ग्राम लेंगे तो इतने बार पार्टिकल्स होंगे, इसको हाफ करते हैं तो 29.25 ग्राम बनेगा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी रिड्यूस हो जाएंगे ठीक है जी। सो अब हम जो है चैप्टर नंबर 5 पे मूव करेंगे और यही चीज़ हम लेके चलेंगे कि मैं पहले किसी एमसीक्यू को एक्सप्लेन करने से पहले उसके टॉपिक को थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूंगा, क्योंकि अब्दुल्ला नाराज़ हो रहे हैं कह रहे हैं भी आप टॉपिक को नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि हर चीज़ को लेके चलूं और इसी लिहाज से जो है आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। सो उसको भी हम जो है देख लेते हैं। देखो आप लोग ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये टोटली जो है हम दोनों का, हम सब का कोऑपरेशन रहेगा कि हम कोर्स को एट द राइट टाइम कंप्लीट कर पाएँ। अगर आप लोग थोड़ा बहुत जो है खुद से भी एफर्ट करें, आप लोग बुक को रीड आउट पहले से कर लें, आपको बताया था कि हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, अगर आपने पढ़ा होता तो ये जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आ पाती ठीक है जी। सर 11वां वाला रिपीट कर दें तो मैंने आपको बताया कि अगर 35.5 ग्राम लेता हूँ मैं NaCl के तो इसमें पार्टिकल्स इतने होते हैं, अगर मैं इसका मैस हाफ कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हाफ हो जाएंगे तो 3.01 इंटू 10^23 हमारे पास बच जाएगा ठीक है जी। और 10 का आंसर हमारे पास ए है, ए बी हेक्सागोनल शेप हमारे पास होती है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट जिसको हम कह रहे होते हैं। चैप्टर 5 की हम बात करेंगे और अब आपकी स्क्रीन पर जो है मैं चैप्टर 5 से रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो भी डिस्प्ले कर देता हूँ और उससे मुताबिक हम आगे जो है इस पर चलेंगे ठीक है। अगर हम चैप्टर 5 की बात करते हैं तो चैप्टर 5 जो है ठीक है इसके अंदर हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है और हम देखते हैं कि डिफरेंट जो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनको किस तरीके से किस किस ने डिस्कवर किया, क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं और फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है उसके बारे में बताएंगे। बिल्कुल 11 का बी था, अभी मैंने आपको बताया, फहद ऑप्शन भी देख लिया करते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा खुद से भी है एफर्ट किया करते हैं। सर प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 11 में 35 ग्राम कहाँ से आ गया? ओहो भाई ये मैं आपको बताया ना मैंने कि जो है वो मेरी कुछ तबीयत अजीब व गरीब सी हो रही है। हम NaCl की बात कर रहे हैं ठीक है। सो NaCl में इसका जो मैस है वो 23 है, इसका मैस 35.5 है, टोटल 58.5 बनता है ठीक है जी। 58.5 ग्राम बनता है टोटल। अगर मैं इतना लूँगा सो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं, इतने नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स मेरे पास होंगे। अगर मैं इसका हाफ करता हूँ तो इसका हाफ 29.25 ही बनता है। सो इतने पार्टिकल्स होंगे। सॉरी टू से भाई, इस वक्त आपको मैंने जो है थोड़ी करेक्शन करवाई है और जो है इसमें आपने मुझसे कुछ पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं। 58.5 फार्मूला यूनिट मैस होता है NaCl का ठीक है। 35.5 दिखा था लेकिन वो बेसिक तौर पर क्लोरीन का एटॉमिक मैस होता है। 58.5 ग्राम जो है टोटल फार्मूला यूनिट मैस है किसका? NaCl का। इसका हाफ करते हो तो 3.01 × 10^23 हमारे पास होगा, विच विल बी द क्या कहते हैं नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, देन वी हैव 29.5 ग्राम्स ठीक है टोटल मैस ऑफ द सब्सटेंस ठीक हो गया। अच्छा अब हम आ रहे हैं टूवर्ड्स द चैप्टर नंबर 5। जी उस्मान आप बोलें ठीक है। अच्छा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चीज़ आपने अंडरलाइन करनी है उसमें एक तो ये कि जो है हम कितने वोल्टेज अप्लाई करते हैं उस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को डन करने के लिए। सो आपने वो मार्क करना है 5000 to 10000 वोल्ट हम अप्लाई करते हैं ठीक है। इसको आप करेंगे सर इसको 2 से डिवाइड क्यों किया? अच्छा देखो आपके पास जो एमसीक्यू था उसमें लिखा था 29.25 ग्राम ठीक है। सो 29.25 ग्राम कहाँ से आया है? जो क्वेश्चंस का वो आर्ट आंसर लगाते हैं उनकी आंसर दे दिया करें, फिर टाइम बच जाएगा। बिल्कुल फैज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपलोड कर दूंगा, मैं आपको इस वक्त आंसर डिस्प्ले नहीं करता ताकि आप लोग खुद से भी गेस करें कि क्या ऑप्शन बेस्ट हो सकता है। सो 29.25 मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगा, मतलब कि जब ये डिस्प्ले करूंगा आपके पास अपलोड करूंगा प्रोफाइल पे अपनी ठीक है। सो आंसर वाले ही होंगे आपके पास ठीक है। 29.25 जैसे तौर पर हमारे पास गिवन मैस है ठीक है। और ये कहां से आया है कि 58.5 का अगर हम हाफ करते हैं तो 29.5 बनता है और इसमें नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स जो है वो भी हाफ होंगे यानी 3.01 / 23 होंगे ठीक है। मुझे लगता है कि आप
बता चुकी होगी। अच्छा इस वक्त हम बात करें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसकी यानी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो उसमें आपने जो चीज़ मार्क करनी है तो ये कि जो हमारे पास वोल्टेज अप्लाई हम करेंगे जो कि 5000 to 10000 है, ठीक है, वोल्ट ये आप मैंशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो प्रेशर इसके अंदर होता है वो 0.01 टॉर होता है, ठीक है, वो हम अप्लाई करते हैं। जो प्रेशर इन साइड द डिस्चार्ज ट्यूब जो हम लेते हैं वो 0.01 टॉर है, ठीक है जी। ये चीज़ आपने जो है वो अपने पास मैंशन कर लेनी है। उसके बाद फिर हमारे पास जो है शुक्र भाई, ठीक है। अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस की हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास कुछ मेंशन किए हुए हैं आर्टिस्ट नेम और ईयर भी मेंशन किए हुए हैं। सो उसमें आप जो मेंशन करेंगे अपने पास वो 1895 है, ठीक है। जे पेरन जो है उसने क्या किया था, उसने जो है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हुए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ठीक है। सो उसको आप जो है अंडरलाइन करेंगे। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है 1897 के अंदर जे थॉम्सन है, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू ये चीज़ कन्फर्म की थी कि जो कैथोड रेस हैं उन पर चार्ज कौन सा है, वो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। सो जे पेरन का काम क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हुए उन्होंने 1895 के अंदर उन्होंने इस बात को कंफर्म किया था कि ये जो पार्टिकल हम डिस्कवर कर रहे हैं जिसको हम कैथोड रे कह रहे हैं, ये चार्ज पार्टिकल हैं या न्यूट्रल हैं। सो इस बात को कंफर्म किया था जे पेरन ने बाय यूटिलाइजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। और उसके बाद फिर 1897 के अंदर जे थॉम्सन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था बाय यूटिलाइजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके थ्रू उन्होंने कंफर्म किया था कि जो पार्टिकल हमने डिस्कवर किए हैं उन पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 2 है जिस पे आप आएंगे और उसमें आपने चीज जो मार्क करनी है वो ये लास्ट उसकी दो लाइंस हैं कि व्हेन वी प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ दीज रेस एल्यूमिनियम ग्लो रेड, ठीक है, एंड टिन स्टोन येलो, ये चीज आप मार्क करेंगे, ठीक है। तो आप देखो आप ये बात जानते हैं जब आपने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। सो इस एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था कि कंफर्मेशन कहां से मिली थी कि पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं, बन चुके हैं, कि जब हमारे पास कैथोड रे डेवलप होती है तो वो जाती है और जाके ग्लास पर स्ट्राइक करती है, जो स्क्रीन है उस पर स्ट्राइक करती है और ग्लो प्रोड्यूस करती है। अब जो ग्लो प्रोड्यूस होगा उसका कलर कौन सा होगा डिपेंड करता है कि हमने मटेरियल किस किस्म का इस्तेमाल किया है एज अ स्क्रीन के तौर पे। सो उस चीज को यहां क्लियर कर रहा है कि अगर हमारे पास स्क्रीन किस चीज की हो, एलुमिना की हो, सो ग्लो जो है वो रेड होगा। और अगर हमारे पास टिन हो एज अ स्क्रीन के तौर पे टारगेट जिस पे हम करवा रहे हैं इन पार्टिकल्स को, सो ये येलो कलर का जो है ग्लो प्रोड्यूस करेंगे। तो इस चीज को आपने अंडरलाइन कर लेना है, मार्क कर लेना है, ठीक है जी। सो इस हवाले से एमसीक्यू देख लेते हैं। द नेचर ऑफ कैथोड रे रिमेन्स द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियल यूज, ठीक है। अब किस चीज पे जो है हम कहते हैं कि कैथोड रे की जो नेचर है डिपेंड नहीं कर रही होती, वो इलेक्ट्रोड है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यू की हम बात कर रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 5 के हवाले से है। द नेचर ऑफ कैथोड रेज द, ठीक है, और रिमेन्स द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियल दैट वी यूज, तो उसमें इलेक्ट्रोड पे ये डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रोड जिस मर्जी मटेरियल का आप ले लें जो आपके पास आएगी कैथोड रे, ठीक है, हम कहते हैं कि ये बेसिक तौर पर इसकी जो नेचर है ये डिपेंड नहीं कर रही होती इलेक्ट्रोड के मटेरियल के ऊपर, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास है द कलर ऑफ ग्लो प्रोड्यूस, ठीक है, इन अ डिस्चार्ज ट्यूब डिपेंड्स अपॉन, अब कंपोजिशन ऑफ गैस भी डिपेंड करती है, यानी जो हम गैस इन साइड द डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को यानी कैथोड रेस को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, उस गैस की हम बात करें तो उसका जो कंपोजिशन है, ठीक है, वो भी बड़ी मैटर करती है, वो भी डिसाइड करती है कि हमारे पास जो है जो ग्लो है वो किस कलर का जो है प्रोड्यूस होगा। और फिर हमारे पास है कि व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब इज रिड्यूस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स मोर प्रोमिनेंट, सो क्या होगा, डिस्चार्ज टेक प्लेस, यानी अब हम जब जो है इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, तो जब प्रेशर को रिड्यूस करेंगे तो उससे क्या होगा कि फिर जो है हमारे पास जो है क्या कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब जो है डिस्चार्ज, ठीक है, टेक प्लेस होगा, यानी कि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे थ्रू द गैस मटीरियल, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए करंट फ्लो करते हुए गैस जो इनसाइड द हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है उसको आयनाइज करेंगे और ग्लो भी प्रोड्यूस होगा, सो डिस्चार्ज टेक प्लेस, इसकी सी ऑप्शन मोर अप्रोप्रिएट बनती है। सर सेकंड वाला क्या है जिसपे स्ट्राइक करेगा वो तो येलो आएगा कलर, ठीक है, अच्छा साथ पूछ रहे हैं सेकंड वाला क्या है। देखो मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास जो है कलर ऑफ द ग्लो प्रोड्यूस इन द डिस्चार्ज ट्यूब डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, ये गैस का जो मिक्सर हम कंपोजिशन यूज करते हैं इस पे डिपेंड कर रहा होता है। सर दो का अभी का भी हो सकता है क्या, दो का क्या, दो का ए हो सकता है, नहीं ए नहीं हो सकता। देखो हम कह रहे हैं कंपोजिशन ऑफ गैस, यानी गैस का जो मिक्सर हम ले रहे हैं उस पे डिपेंड करता है, यानी गैस का अगर हम मिक्सर ले रहे हैं तो वो या हम किस टाइप की किस नेचर की गैस ले रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है कलर ऑफ ग्लो, ठीक है, इस पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद हमारे पास है फोर्थ एमसीक्यू, ठीक है, कैथोड रेज कैन डिराइव अ स्मॉल पेडल व्हील, ठीक है, विच शोज दैट दे पोजेस एमसीक्यू के थ्रू भी, ठीक है जी।
ये हमारे पास रिलेटेड टू कैथोड रे डिस्कवरी के हवाले से था, ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया और जो है चीज़ें आपको बताई हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टूवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और इसमें आपने जो चीज़ अंडरलाइन करनी, पहले मैं मार्क करवा देता हूँ आपको टॉपिक के अंदर से, उसमें आपने 1886 जो ईयर है वो मेंशन करना है, यानी कि मार्क करना है। और उसके बाद जो साइंटिस्ट नेम है गोल्ड, ठीक है, सॉरी जर्मन फिजिक्स साइंटिस्ट हैं गोल्ड स्टेन, ठीक है। सो ये आप अंडरलाइन करेंगे, गोल्ड स्टेन जो है वो आप अंडरलाइन करेंगे कैथोड रे, सॉरी जो हमारे पास जो पॉजिटिव रे की प्रोडक्शन है उसमें जो है आप क्या करेंगे गोल्ड स्टेन का नाम और उसका ईयर जो है वो मार्क करेंगे। फोर्थ को वो कह रहे हैं कि जी रिपीट कर दें। सो फोर्थ के हवाले से हम कहते हैं कि जब भी हम कैथोड रेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कैथोड रेस ऑलवेज पोजेस सम एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम वेन एवर दे पास, ठीक है, एनी वेन एवर दे मूव, ठीक है, इन अ डायरेक्शन, ठीक है। और अगर हम इसके दरमियान एक पैडल व्हील रख दें तो ये क्या करते हैं इस पर स्ट्राइक करके उस पैडल व्हील को रोटेट करवाते हैं। रीजन क्या है कि ये जो हमारे पास कैथोड रेज हैं दे आर पार्टिकल्स एंड दे हैव सफिशियंट मोमेंटम, जब ये उस पर स्ट्राइक करते हैं अपनी एनर्जी को जो है उसमें ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है पैडल व्हील मूव करता है। सो पोजेस मोमेंटम, ये ऑप्शन जो है इसके लिए ठीक होगी, ठीक है जी। पॉजिटिव रेज की मैं बात कर रहा था तो मैंने आपको उसमें बताया, अच्छा चार का राइट ऑप्शन बेसिक तौर पर बी है, पोजेस मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में मैंने आपसे कहा कि उसका एक तो ईयर आपने जो है मार्क कर लेना है और दूसरा आपने जो है क्या करना है कि गोल्ड स्टीन जो नाम है, ठीक है, वो आपने मेंशन करना है। कोई फाइव का आंसर बता देगा, अभी फाइव तो भी हम पढ़ेंगे, भी तो हम पढ़ रहे हैं इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज हैं, ठीक है, उसमें जो है आप क्या चीज़ मार्क करेंगे, मैं आपको ज़रा पहले मार्क करवा देता हूँ फिर हम आगे चलेंगे। उसमें जो लास्ट लाइन है वो आप मार्क करेंगे, द मैस ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये चीज़ आपने मार्क करनी है, ठीक है, ये चीज़ आपने क्या करनी है मार्क कर लेनी है अपने पास, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको क्लेरिफाई करूँ कि जो हमारे पास क्या कहते हैं कैथोड, सॉरी पॉजिटिव रेज हैं, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो पॉजिटिव रेज की जो नेचर है इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द गैस, ठीक है। कैथोड रेज की जो नेचर है इट नेवर डिपेंड्स अपॉन द गैस दैट वी यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब, बट लेकिन पॉजिटिव रेज जो हैं इनकी नेचर डिपेंड करती है जो हम गैस देते हैं इन साइड द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। मैं आपको जरा यहाँ मैंशन भी कर देता हूँ, क्लेरिफाई हो सके इस हवाले से। कैथोड रे नेचर नेवर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। और जो दूसरी बात हम इस पर देख रहे हैं वो बेसिक तौर पर पॉजिटिव रेस के लिए है, पॉजिटिव रेस नेचर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, ठीक है। हम कहते हैं पॉजिटिव रेस जो है, ठीक है, इनकी नेचर डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, इनकी जो है नेचर डिपेंड करती है, पॉजिटिव रेज की नेचर डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस के ऊपर, लेकिन जो कैथोड रेज हैं कि इंडिपेंडेंट होते हैं जो हम नेचर ऑफ गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह की गैस इस्तेमाल कर रहे हैं इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक हो गया। ये पॉइंट आपने पास मैंशन कर लेना है, ठीक है। और हम कहते हैं कि अगर हम ई ओवर एम की बात कर लें, यानी जो हम बात करते हैं किस चीज़ की भी, हम ई ओवर एम की बात करते हैं, अगर आपने ये पॉइंट मेंशन कर लिया हो तो मैं जरा इसको यहाँ लिख लेता हूँ, चलें ई ओवर एम की बात करते हैं। सो ई ओवर एम वैल्यू जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, यानी कैथोड रेस के लिए है, ठीक है, ई ओवर एम वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। हम कहते हैं कि ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, जो भी टाइप की गैस हम इस्तेमाल कर लें ये चीज़ चेंज नहीं होने वाली। फॉर इलेक्ट्रॉन्स हम बात कर रहे हैं, कैथोड रे बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ई ओवर एम वैल्यू फॉर है वो चेंज होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट होता है और इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, उसका मास भी कांस्टेंट ही रहेगा। सो ई ओवर एम वैल्यू नेवर चेंज विद चेंज इन गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि जो हमारे पास पॉजिटिव रेज हैं, ठीक है, अगर हम पॉजिटिव रेज की बात करते हैं, सो पॉजिटिव रेज जो हैं, ठीक है, इनकी जो ई ओवर एम वैल्यू है इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ गैस दैट वी यूज इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, यानी जो पॉजिटिव रेज हैं इनकी ई ओवर एम वैल्यू डिपेंड कर रही होती है जो हम चार्ज जो डिस्चार्ज में गैस लेते हैं उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। और E over M वैल्यू फॉर पॉजिटिव रेस सबसे ज्यादा होगी किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि आप ये बात जानते हो ना
कि हाइड्रोजन सबसे लाइटर एलिमेंट है, सबसे छोटा टाइप का एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर। सो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है चूंकि सबसे स्मॉलर है, इसका मास सबसे लीस्ट होगा, सो इसलिए हम कहेंगे कि ई ओवर एम वैल्यू जो है हाइड्रोजन की सबसे लीस्ट होगी, सॉरी सबसे ग्रेटर होगी, सबसे ज़्यादा होगी। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके थ्रू अगर हम कोई जो है पॉजिटिव रेस की डेवलपमेंट करेंगे, सो उनकी जो ई ओवर एम वैल्यू है वो स्मॉलर होगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो आपने ये चीज़ अपने पास नोट डाउन कर लेनी है कि हाइड्रोजन विल हैव द हाइएस्ट ई ओवर एम वैल्यू, ठीक है। हाइड्रोजन वैन वी टेक हाइड्रोजन, ठीक है, इन द डिस्चार्ज ट्यूब द पॉजिटिव रेस विल हैव द हाइएस्ट ई ओवर एम वैल्यू, ठीक है जी। इसको आपने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब मैं आऊँगा टूवर्ड्स द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। गोल्डस्टीन डिस्कवर दैट, ठीक है, बिसाइड द कैथोड रेज अनदर टाइप ऑफ रेज आर प्रोड्यूस इन द डिस्चार्ज ट्यूब विच कॉल्ड एज पॉजिटिव रेज। ये तो बहुत आसान था सर। अभी आपने बताया कि कंपोजिशन ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। देखो वो हमने ग्लो की बात की थी कि ग्लो की जो नेचर है, जो रोशनी प्रोड्यूस होनी है, जो कलर प्रोड्यूस होना है, उसकी हम बात कर रहे थे कि वो डिपेंड करता है। आपके पास स्क्रीन पर भी है, द कलर ऑफ ग्लो प्रोड्यूस इन द डिस्चार्ज ट्यूब डिपेंड्स अपॉन। हम ग्लो की बात कर रहे हैं, मैं इस वक्त इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्लो की बात कर रहा हूँ कि जो रोशनी प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करता है कंपोजिशन ऑफ गैस के ऊपर। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस होते हैं वो चाहे प्रोटॉन जो है वो हाइड्रोजन से निकले, चाहे वो नाइट्रोजन से निकलें, चाहे वो कार्बन से निकलें, तमाम में इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी सेम होता है और इलेक्ट्रॉन का मास भी सेम होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये नेवर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, ठीक हो गया। अच्छा, सो पांचवा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और जो है नेक्स्ट हम बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा। द ई ओवर एम वैल्यू फॉर पॉजिटिव रेज इन द डिस्चार्ज ट्यूब डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। मैंने आपको बताया भी, ठीक है, कि ई ओवर एम वैल्यू जो है, ठीक है, फॉर पॉजिटिव रेज इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, इस पे डिपेंड कर रही होती है। हाइड्रोजन के लिए ई ओवर एम वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी और बाकी तमाम एलिमेंट्स जो कि हैवियर देन हाइड्रोजन हैं इनके लिए हम कहते हैं कि ई ओवर एम वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि हमारे पास मास इतना बढ़ेगा उतनी ही फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी होगी। सर ई सर लीस्ट ई ओवर एम वैल्यू किसकी होगी, सो वो आप सबसे हाईएस्ट हैवीएस्ट एलिमेंट देखें जो 118th एलिमेंट है उसकी बात करेंगे। सर हाइड्रोजन की ई ओवर एम रेशो अमंग ऑल सबसे ज़्यादा होती है, एग्जैक्टली बिल्कुल साथ यही मैंने बात किया कि हाइड्रोजन की जो है थ्रू हम जो पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस करेंगे उनके लिए ई ओवर एम वैल्यू सबसे ज़्यादा लार्जर होती है, हाईएस्ट होती है, बिगेस्ट होती है, ठीक है जी। सो छठे का आंसर बी है, बिल्कुल ठीक आपने साथ में ही बात कर लेने था, ई ओवर एम वैल्यू फॉर द पॉजिटिव रेज वही आ गया, ठीक है। सो हाइड्रोजन जो है उसके लिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी फॉर, ठीक है जी, हाइड्रोजन जो है ई ओवर वैल्यू सबसे हाईएस्ट होती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास है, द नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रेजिडुअल गैस। ऐसी बात है, मैंने आपको बताया भी, सर बुक में कंपोजिशन ऑफ ग्लास लिखा हुआ है, कंपोजिशन ऑफ ग्लास क्या या गैस लिखा हुआ है, देखो आप जरा इसको देख लीजिएगा। मैं आपको बताऊं कि जो हम एज अ स्क्रीन के तौर पे यूज करते हैं जिस पे जाकर इन पार्टिकल्स ने स्ट्राइक करना होता है, ठीक है, जिन पे जाके कहते हैं इन पार्टिकल्स ने स्ट्राइक करना होता है, उसके ऊपर कलर डिपेंड कर रहा होता है। सो वो कंपोजिशन चाहे वो ग्लास की सूरत में आपके पास स्क्रीन हो या किस फॉर्म के अंदर भी हो, ये बेसिक तौर पर उस पर डिपेंड कर रहा होता है। साथ ही साथ जो हम गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, ठीक है, उसकी कंपोजिशन पर भी डिपेंड कर रहा होता है कि वो हमने किस किस्म की ली हुई। क्वेश्चन नंबर 6 का बी और सी, सो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट हमारे पास ठीक होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट ठीक होगा, ठीक है। 8 की बात हमने की है कि नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है पॉजिटिव रे, ठीक है, पॉजिटिव रे की नेचर नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अब हम जाएंगे टूवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे और पहले मैं आपको कुछ चीज़ें मार्क करवा देता हूँ, फिर हम आएंगे एमसीक्यूज की तरफ, ठीक है। सो बुक के अंदर जो आपने चीज़ें मार्क करनी है वो बेसिक टॉपिक क्या है कि जो है डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक ने की थी, और ईयर क्या था हमारे पास 1932 था, ठीक है, और नोबेल प्राइज़ इनको कब मिला, इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला वो 1935 में मिला। सो आपने इन चीज़ों को मार्क करना है, चैडविक ने जो है वो डिस्कवर किया था और 1932 में डिस्कवर किया था और 1935 के अंदर इनको नोबेल प्राइज़ जो है वो मिला था, ठीक हो गया। और क्या कहते हैं जो प्रोसेस जिसके थ्रू जो है ये न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए थे, इसे हम फ्यूजन प्रोसेस कहते हैं, फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। आपके पास इस वक्त बुक में जो लिखा हुआ है ना, हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाते
हैं बेरिलियम टारगेट के ऊपर। सो एल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाते हैं इस एक्सपेरिमेंट में बेरिलियम टारगेट के ऊपर, और इस प्रोसेस को या इस रिएक्शन को हम फ्यूजन रिएक्शन का नाम देते हैं। फ्यूजन रिएक्शन के बारे में हम कहते हैं कि फ्यूजन रिएक्शन होगा, ठीक हो गया। बाकी जो है अगर हम देखें जो हमारे पास इस पर प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उस पर आपने कुछ चीज़ें मार्क करनी है, और वो क्या है कि जब न्यूट्रॉन जो है क्या करता है, डिके करता है। सर आप मार्क के साथ बुक पेज हमें बता दिया करें। चलें जी, पेज नंबर इस वक्त हमारे पास है ये 121। सर 8 रिपीट कर दें, अभी रिपीट कर दें अली, बस जरा ये मार्क करवा दूँ। 8 इस वक्त हम 121 पर हैं, और आपने जो रिएक्शन देखना है वो क्या है कि प्रॉपर्टीज़ में आके जब न्यूट्रॉन डिके करता है तो उससे क्या कुछ बनता है, इसमें प्रोटॉन बनता है, इलेक्ट्रिनो बनता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन बनता है, ठीक है, और न्यूट्रिनो बनता है, ठीक है। सो न्यूट्रिनो है लास्ट, ठीक है, सो न्यूट्रिनो बनता है, ठीक हो गया। इसको आप मार्क करेंगे। उसके बाद इसका फिफ्थ पॉइंट है कि जब हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रॉन ट्रेवल करेगा 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ, तो ये हमारे पास क्या होगा, हाई वो फास्ट न्यूट्रॉन कहलाएंगे। अगर इनकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास क्या होगी, ही वैसे तो आप स्लो मूविंग न्यूट्रॉन कहलाएंगे। जाती कह रहे हैं, इसे थोड़ा सा जूम कर दें, स्टेटमेंट नज़र आ रही नहीं आ रही, ठीक है जी, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। आई थिंक अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा जी, आई थिंक अब आप क्लियरली नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। सो इस वक्त मैं आपसे कह रहा था कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी रखने वाले इलेक्ट्रॉन्स को फास्ट मूविंग कहते हैं, और इससे नेक्स्ट लेस जो लेस होगा, ठीक है, उसको हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। और 122 के ऊपर, पेज नंबर 122 के ऊपर हम कहते हैं कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को अगर हम स्ट्राइक करवाते हैं किस चीज़ के ऊपर, हम जो है नाइट्रोजन पे स्ट्राइक करवाते हैं, तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन हमेशा अल्फा पार्टिकल्स की इमिशन करेंगे। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल्स की इमिशन करेंगे, ये आप नोट डाउन करेंगे। और स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो हैं वो गैमा पार्टिकल्स की इमिशन करते हैं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के करते हैं, गैमा पार्टिकल्स जो हैं वो उनकी उनको एक्सेल करवाते हैं, इनको रिमूव करवाते हैं किसी सब्सटेंस पे जब हम उसको बम्बार्ड करते हैं। सो क्या होता है कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो हैं वो क्या करेंगे, वो जो है क्या कहते हैं, गैमा पार्टिकल्स जो हैं उनको रिमूव करवाएंगे। और गैमा पार्टिकल्स कहाँ यूटिलाइज करते हैं, हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप इसको मेंशन कर लीजिएगा, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम गैमा पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, इनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अभी बता देता हूँ समाना, अभी हमने डिस्कस करना है एमसीक्यूज़ को, फिर वहाँ पर हम जाके फिर देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमने कुछ चीज़ें मार्क करनी थी जो कि मैंने आप लोगों को मार्क करवा दी हैं। अब हम आते हैं एमसीक्यू की तरफ और एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। 8, 9, 10 की आप बात करें, सो 8 का राइट ऑप्शन सी बनता है, नेचर ऑफ जो है रेजिडुअल गैस के ऊपर। 9 की बात करें तो चैडविक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था भाई, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। 10 एमसीक्यू की बात करते हैं तो हम कहते हैं 1932 वो ईयर है जिसमें कि ये न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए थे। 10th में क्या, 10th एमसीक्यू का आंसर क्या है हमारे पास, राइट ऑप्शन क्या है, 1932 हमारे पास 10th का ऑप्शन है, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम, 11 हमारे पास क्या है, 11 की हम बात करेंगे। इलेवन एमसीक्यू की बात करेंगे, मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों के लिए ठीक है। सो इस वक्त आपके पास नेक्स्ट आ गया है, नेक्स्ट स्लाइड आपके पास आ चुकी है, और इस स्लाइड पे अगर हम फोकस कर लें, देखो आई थिंक मेरे ख्याल से अब्दुल्ला अब आप थोड़ा बहुत सेटिस्फाई हो गए, क्योंकि मैंने आपको पहले गो थ्रू करवाया वो टॉपिक और उसमें मैंने कुछ चीज़ें मार्क करवाई। अब्दुल्ला बताइएगा मुझे, अगर आप अभी भी ठीक नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो हम कुछ ना कुछ पे सोचते हैं कि हम उस वाले से क्या कर सकते हैं, तो मुझे बताइएगा अब्दुल्ला, ठीक है। हमने पहले टॉपिक को थोड़ा सा समराइज़ किया है, मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें मार्क करवाई हैं, फिर मैं एमसीक्यू की तरफ गया हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है भी। इन एमसीक्यूज का आपको ऑप्शन यानी राइट ऑप्शन इनके आपको मिल जाएंगे, नोट्स इनके आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है, बम्बार्डमेंट ऑफ बेरिलियम, ठीक है, विद अल्फा पार्टिकल्स जनरेट। अब आप ये बात जानते भी पढ़कर भी आप आए हैं, न्यूट्रॉन करते हैं, ठीक है, और मैंने भी आपको जो है बताया था कि जो है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स जो हैं जनरली मोर इफेक्टिव देन फास्टर, ठीक है, फास्टर फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन प्रोसेस के लिए जो है ये होता है, ठीक है। सो फ्यूजन इज द राइट ऑप्शन, फ्यूजन जो है प्रोसेस के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो ये कह लें हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, दे आर मच मोर इफेक्टिव, ठीक है। सो फ्यूजन प्रोसेस का इसका राइट ऑप्शन बनेगा। 13 की हम बात करते हैं, द डिस्चार्ज, ठीक है, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अभी हम बात करेंगे अच्छे से आगे चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है तमाम चीज़ें, आप लोगों को ये तमाम चीज़ें समझ आई हैं यहाँ तक, मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है, क्योंकि देखो आपका फीडबैक साथ साथ होना चाहिए ना,
सो आप लोग फीडबैक के साथ साथ देते रहा करें कि आप लोगों को जो चीज़ मॉड लेके चला जा रहा है ठीक है, वो ठीक तरीके से समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि हम इस वक्त जो है बहुत शॉर्टर वर्जन में पढ़ रहे हैं और हमने बहुत जल्दी जल्दी चलना है क्योंकि कोर्स भी कंप्लीट करना है। अगला कह रहे हैं यस सर अब बहुत अच्छा हो गया है, थैंक यू आपने मेरी बात, देखो मैं हर एक की बात सुनता हूं और हर एक की बात पे अमल करना मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि मेरी सेटिस्फेक्शन आपकी सेटिस्फेक्शन से पे मुनसर करती है। जिस तरह से आप चाहेंगे वैसे चलेंगे, लेकिन आपने बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें आपकी फिक्र है कि आपका सिलेबस भी कम्प्लीट करवाना है। अब मैं बातें बहुत करूंगा इसलिए मैं जल्दी आता हूँ ऑफिस पे, ठीक है। 122 पेज पर हम आएंगे, 122 पेज पर हम आएंगे। 12वां आप पूछ रहे हैं, सो फिजन प्रोसेस इसका राइट ऑप्शन बनेगा, फिजन प्रोसेस इसका राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है जी। अच्छा फिर फिजन इसका राइट ऑप्शन बनता है, राफे बिल्कुल सही कह रहे हैं, एमसीक्यू को एक्सप्लेन कर दें। 12वें की बात करें, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जनरली मोर इफेक्टिव देन फास्टर फॉर द पर्पज ऑफ फिजन इफ्यूजन पेनिट्रेशन एब्जॉर्प्शन। तो आपको बताऊं कि फिजन प्रोसेस है, इवन के ये फिजन प्रोसेस ही हम इस्तेमाल कर रहे थे ये जो यूरेनियम को अफसुदा करते हैं ना एटॉमिक बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। सो उसमें भी हम जो है यही चीज़ इस्तेमाल कर रहे थे, फिजन प्रोसेस जो है मतलब के लिए इफेक्टिव होते हैं। और 11 की राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, 11 की राइट ऑप्शन न्यूट्रॉन है, ये तो बहुत सिंपल सा था, ठीक है। अब 122 पेज के पर मैं कुछ चीज़ मार्क करवाना चाहता हूँ आप लोगों को। सो इन 1897 जीडी थॉम्सन डिवाइस एंड इंस्ट्रूमेंट, अब आप देखिएगा कि जीडी थॉम्सन ने किसमें 1897 के अंदर क्या किया था, एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस किया था जिसके थ्रू जो है उन्होंने ई ओवर एम वैल्यू कैलकुलेट की थी, ठीक है। सो ई ओवर एम वैल्यू कैलकुलेट की थी किसने, जीडी थॉम्सन ने इन 1897 में। ये आपने मार्क कर लिया, इसी टॉपिक के बिल्कुल लास्ट में आप आ जाएं, इसी टॉपिक के सबसे लास्ट जो है वो पॉइंट में आप आ जाएं जिसमें कि उसने ई ओवर एम वैल्यू आपको प्रोवाइड की हुई है जो कि है 1.7588 इन 10^11 कोलम पर किलोग्राम, ठीक है। ये ई ओवर एम वैल्यू है, ये ई ओवर एम वैल्यू है, इसको आप मार्क करेंगे, आगे भी लिखा हुआ है, दिस मींस दैट 1 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव 1.7588, ठीक है, इन 10^11, ठीक है, कोलम ऑफ चार्ज, ठीक हो गया। सो ई ओवर एम के बारे से वो कह रहा है कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम हमारे पास क्या हो, एक सब्सटेंस हो, सो 1 किलोग्राम सब्सटेंस के ऊपर यानी चार्ज कितना होगा, ये मेंशन उसने कर दिया। ये बेसिक तौर पे हमारे पास है 1.7588, ठीक है, इंटू 10^11 किलो कोलम पर कोलम जो है हमारे पास चार्ज होगा। सो आपने इन दो पॉइंट्स को मार्क कर लेना है। अब हम आते हैं अपने स्लाइड की तरफ और यहाँ पर जो है जो चीज़ मेंशन की हुई है ये तो बेसिक तौर पे मिलिगन सॉल्ट ड्रॉप मेथड के हवाले से है। सो ये दो चीज़ें आपने मार्क कर ली हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है मिलिगन सॉल्ट ड्रॉप मेथड, और इसमें आपने जो पहली चीज़ मार्क करनी है वो है ईयर 1909 में, और अमेरिकन वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाला था, ठीक है। तो एमसीक्यू नंबर 13 भी यही है, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय, सो अमेरिकन वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो कैलकुलेट किया था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने, अमेरिकन ने कैलकुलेट किया था इन 1909 के अंदर, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर आप 123 पेज पर आएंगे, सो 123 पेज के ऊपर जो है जो उसने इक्वेशन नंबर 3 मेंशन की हुई, आप देख लीजिएगा इक्वेशन नंबर 3 मेंशन की हुई है, उसके नीचे जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट चार्ज विच इज फाउंड वाज 1.59 इन 10^-19 कोलम, इट इज वेरी क्लोज टू द रीजन विच इज 1.602 इन 10^-19 कोलम। सो ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बता रहा है, ठीक है। सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आप मार्क करेंगे, हाईलाइट करेंगे, जो कि है द स्मॉलेस्ट चार्ज विच इज फाउंड वाज 1.59 इन 10^-19 कोलम, और एग्जैक्ट उसने वैल्यू जो आप हमने कैलकुलेट की थी वो भी मेंशन कर दी है उसने, वो है 1.602 इनटू 10^-19 कोलम, ठीक है जी। सो ये हो जाएगा, और नीचे है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.109, ठीक है, इनटू 10^-31 किलोग्राम होता है, ये भी आप मार्क करेंगे। अब आते हैं एमसीक्यू की तरफ, बिल्कुल आसान हो गया अब तो हमारे लिए एमसीक्यू को जो है आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर तो आप जानते हैं मिलिकन सी है, अभी हमने जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मार्क भी किया है, सो वो बेसिक तौर पे कितना है 1.602 इन 10^-19 कोलम, ठीक है, ये आ जाएगा। और कैलकुलेटेड ई ओवर एम वैल्यू फॉर प्रोटॉन अभी मैंने आपको मार्क करवाई थी, ये हमारे पास कितनी होती है 1.7588 इन 10^-11 की कोलम पर किलोग्राम, ये होती है। और लास्ट में है द मास ऑफ न्यूट्रॉन, अभी यहाँ पर आप देखिएगा पेज नंबर है 124, उस पर आपको एक टेबल मेंशन किया हुआ है, सो उसमें जो है आपके पास वैल्यू प्रोवाइड की गई है किलोग्राम के अंदर भी और एएमयू के अंदर भी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, इसको आप इंपॉर्टेंट मेंशन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क करेंगे, ये आपने लाजमी करना है, ठीक है। और उसी वजह से आपके क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि 1.75 इंटू 10^-27 किलोग्राम इसी तौर पर क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है, ठीक है। सो यहां तक क्लियर है आप लोगों को, पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं साथ में।
टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, आज भी हम चैप्टर नंबर 5 मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन कोशिश पूरी होगी कुछ ना कुछ हद तक कंप्लीट कर पाए। जी सो क्वेश्चन नंबर 17 पे चले हम। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हमने देखा वो जो हमारे पास था 9.1 इन 10^12 -31 किलोग्राम, ठीक है। 17 का आंसर हमारे पास है 9.1 इंटू 10^12 -31 किलोग्राम, अभी हमने जो है इसको देखा भी, हमने इसको मार्क भी किया है। चले आगे रदरफोर्ड की हम बात कर लेते हैं सर। एमसीक्यू 15 में पावर पॉजिटिव 11 नहीं होगी, अभी देख लेते हैं इसको भी, हमने कहीं हो सकता है कहीं मिस्टेक कर दी हो उसको लिखने में, देख लेते हैं अभी उसको, उसको ठीक भी कर लेंगे उसको भाई। 15 की आप बात कर रहे हैं एग्जैक्टली, इसको हम बिल्कुल बिल्कुल इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है बिल्कुल एग्जैक्टली, ये पॉजिटिव है, ठीक है। जो ये जो वैल्यू हमारे पास है ये पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है, ठीक है। 16 का आंसर ए था 1.667 इंटरनेस पर -27 किलोग्राम, ये है, ठीक है। 15 का आंसर बेसिक तौर पर हम देख रहे हैं अभी 1.7588 इंटरनेस पर 11 है, पॉजिटिव 11 है, जब मैं इसको पुट करूंगा तो आपको जो है वो ठीक कर दूंगा, ठीक है भाई, यानी कि ठीक वाला जो है वो आपको दूंगा, ठीक हो गया। अच्छा अब हम आते हैं आगे रदरफोर्ड की बात करते हैं। रदरफोर्ड के अंदर हमने कुछ चीज़ें मार्क करनी है, वो मार्क कर लेते हैं, फिर हम आगे जो है इसके एमसीक्यूज की तरफ, ठीक है। रदरफोर्ड की बात करते हैं तो ये 1911 के अंदर रदरफोर्ड जो है साइंटिस्ट, जिन्होंने क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इन्होंने गोल्ड फॉइल ली थी। सर आंसर को ABC वाइज भी बता दिया करें प्लीज़, ठीक है। फारिया आप बेफिक्र करें, मैं आपको ये तमाम स्लाइड जो हैं सॉल्ट फॉर्म के अंदर अपलोड कर दूंगा, मेरे पास स्लाइड फॉर्म सॉल्ट फॉर्म में मेरे पास स्लाइड्स हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को डिस्प्ले इसलिए नहीं की ताकि आप लोग जो है थोड़ा सा खुद से जजमेंट कर लें, एज इट इज आपको मैं अपलोड कर दूंगा, बेफिक्र रहें, ठीक है। अच्छा 0.00004 थिकनेस की जो है गोल्ड फॉइल ली थी किसने, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है जी। गोल्ड फॉइल जो ली थी 0.00004 सेंटीमीटर की थी, जो कि जो है क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए ली थी, इसको आपने मार्क कर लेना है। अब एक एमसीक्यू से रिलेटेड है वो हम देख लेते हैं, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, ऑफ एटम फील्ड बिकॉज किस वजह से था कि इट डिड अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। बिल्कुल देखो रदरफोर्ड की हम बात करते हैं तो दो उसके जो है ड्रॉबैक थे, दो उसकी लिमिटेशंस थी उसके मॉडल की, और वो क्या थी, एक हमारे पास था रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग हम कहते थे कि जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा वो कंटिन्यूस फॉर्म में करेगा, जबकि आप जानते हैं कि एक्चुअल वे में वो डिसकंटिन्यूस जो है एनर्जी इमिट करता है। और दूसरा जो ड्रॉबैक था हमारे पास रदरफोर्ड का, जिसको हम कहते हैं लिमिटेशन थी, वो क्या थी कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस शेप के अंदर, यानी इसमें एटम के अंदर, थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लें, जो शेप ऑफ एटम बनती है रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग वो कुछ इस तरह की बनती है स्पायरल फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो वो जाएगा 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 और अल्टीमेटली जाके फॉल कर देगा इनसाइड द एटम, और हम कहते हैं एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो यही प्रॉब्लम था, और इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनता है, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बनता है सी, इट डिड नॉट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन बनेगा, सो 18 का आंसर सी है, विच इज इट डिड नॉट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है। इट डिड नॉट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है, ये चीज आपके लिए आ जाएगी, ठीक है। अब हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे चलेंगे, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जो समझने वाली हैं, तो आपने इसको जरूर जो है अपने पास नोट डाउन कर लेना है। मैं कुछ चीज़ें आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखवाऊंगा, वो चीज़ें आप साथ साथ अपनी बुक पे इस जो है टॉपिक के साथ मेंशन करते रहेंगे। वैसे तो आप पे प्लैंक्स ने कहा क्या था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल लिख कर बता दें, तो ये बेसिक टॉपिक है 0.00004 सेंटीमीटर, ये बेसिक टॉपिक हमारे पास होती है सर। गोल्ड फॉइल के अलावा किसी शीट पर एक्सपेरिमेंट हो जाता है, देखो आयशा जो कन्वेंशनल जो उन्होंने इस्तेमाल किया था वो गोल्ड फॉइल है, ठीक है, और वो मोर अप्रोप्रिएट है। आप कोई और भी शीट लेते हैं तो उसके थ्रू भी आपको जजमेंट मिल जाएगी कि बेसिक तौर पर कोई और मेटल ले लें, उसकी इसी थिकनेस की शीट ले लें, उसे भी आप कर सकते हैं सर। टेस्ट 4 बजे ले लीजिएगा, अब पढ़ा लें, ठीक है। हसनैन इस तरह करते हैं कि हम पहले पढ़ लेते हैं, जितना हो सके हम पढ़ लें, फिर हम टेस्ट को भी जो है फाइनलाइज कर लेते हैं कि हमने क्या करना है। अच्छा फिलहाल तो अब इस पे आए ना, व्हाइट बोर्ड पे आए, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे से हम करें तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे से हम कहते हैं सर ऑप्शन सी गलत लिखी हुई है, इट डिड नॉट आना चाहिए। अब देख लेते हैं, इट डिड अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी, हाँ बिल्कुल, इट डिड नॉट अकाउंट, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि देखो अभी मैंने आपसे कहा भी
जो इसका ड्रॉबैक है रदरफोर्ड का वो यही है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते 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 न्यूक्लियस में जाके फॉल कर देगा, तो वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। सो क्या होगा कि हमारे पास जो इसका आंसर बनता है, इट डिड नॉट अकाउंट, बिल्कुल एग्जैक्टली इसको हम ठीक कर लेते हैं। बिल्कुल मैंने आपको बताया ना कि कल रात मैंने इसको बनाए हैं, सो इसमें मिस्टेक जो है वो थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन हम साथ में इसको ठीक करते रहेंगे, ठीक है। सही हो गया यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी बात करते हैं। प्लैंक्स क्वांटम के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि जो है इलेक्ट्रॉन जब क्या करता है, मूव करता है अप एंड डाउन, यानी कि जब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर में जाएगा या हायर से लोअर में जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है हम कहते हैं कि वो डिसकंटिन्यूस मैनर के अंदर एनर्जी को एमिट करेगा, डिसकंटिन्यूस मैनर में एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा, ठीक हो गया। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन बनती है, वो हमारे पास क्या है, ई इज इक्वल टू एच न्यू है, और इसमें ये ई हमारे पास एनर्जी है, एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू प्रोवाइड की भी है आपको, वो कितनी कितनी है, बेस पे 6.625 इंटू 10^5, एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6.625 इंटू 10^-34 जॉल सेकेंड है, ठीक है। हमारे पास बेस पे हमारे पास क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, इसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, एनर्जी हमारे पास क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इससे हम और भी बहुत सी इक्वेशंस जो हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम मेंशन कर सकते हैं, उनको हम राइट कर सकते हैं। यहाँ पर उकाशा आपने जो थिकनेस मेंशन की है उसमें एक जीरो कम है, चार जीरो आते हैं, 0.0004 सेंटीमीटर होता है, तो आप इसको ठीक कर लें, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है मेन, हम कहते हैं एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी के, ठीक है। इसके अलावा हम देखना चाहें एनर्जी का रिलेशन, तो हम कहते हैं इसके अंदर हम क्या मेंशन कर सकते हैं, इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है सी बाय लंडा के, ये आपने पास रखना है, अपने जो है अपने जहन में रखेंगे और नोट डाउन कर लें इसको, फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है सी बाय लंडा के। सो इसको अगर मैं पुट करता हूँ अपनी इस इक्वेशन में, तो इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी और वो क्या बन जाएगी, ई इज इक्वल टू एच सी बाय लंडा, इट मीन्स के एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लंडा, यानी कि वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, ठीक है। यानी जितनी ज़्यादा हमारे पास किसी एक रे की एनर्जी होगी उतनी ही उसकी वेवलेंथ कम होगी, और जितनी एनर्जी कम होगी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। एक और टर्म आती है जिसको हम कहते हैं वेव नंबर, वेव नंबर की टर्म, ठीक है। इसका मतलब सिंपल तौर पर क्या होता है कि एक स्पेसिफिक यूनिट एरिया में, यहाँ से यहाँ तक लेट सपोज, ठीक है, इस स्पेसिफिक यूनिट एरिया में कितनी नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास किसी एक जो है मौजूद हैं, ठीक है, किसी एक रे की वेव्स मौजूद हैं, इसको हम वेव नंबर कहते हैं। एक यूनिट पर यूनिट एरिया जितनी नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास मौजूद होंगी, ठीक है, इसे हम कहते हैं, इसे हम जो है वेव नंबर कहते हैं। सो वेव नंबर की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि एनर्जी जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, ठीक है। ये एनर्जी जो है हमारे पास, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सर, कैथोड रेज की पेनिट्रेशन एबिलिटी किन रेज के बराबर है, अल्फा, बीटा या गैमा, ठीक है। सो फहद हम देखें तो जो हमारे पास कैथोड रेज हैं, पॉजिटिव रेज हैं और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की सबसे ज़्यादा हमारे पास पेनिट्रेशन पावर होती है, ठीक है। और कैथोड रेज की जहाँ तक बात है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, इनकी पेनिट्रेशन पावर इन तमाम के अंदर अगर हम देखें तो ये बीटा के ऑलमोस्ट जो है वो इक्वल होती है, ठीक हो गया। अच्छा, सो इस वक्त हम कह रहे हैं कि एनर्जी जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, ठीक है। ये आप साथ बहुत पीछे का क्वेश्चन ले, एकदम से जो है वो तमाम की तमाम चीज़ें शफल हो गई हैं। सो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेव नंबर के, ये आप मैंशन करेंगे अपने पास, ठीक है, इसको अपने पास जो है नोट डाउन करेंगे, ठीक है, इन तमाम के तमाम चीज़ों को आपने नोट डाउन करना है। क्वांटा का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, सॉरी स्पेसिफिक एनर्जी, कांस्टेंट एनर्जी को हम क्वांटम या क्वांटा से कहते हैं, कांस्टेंट एनर्जी क्वांटा शो करता है, ठीक है। क्वांटा का मतलब स्पेसिफिक या कांस्टेंट एनर्जी होती है, ठीक हो गया। यहां तक समझ आई आप लोगों को, ये चीजें नोट डाउन कर ली आपने। अब मैं आप लोगों के लिए एक जो है मेंशन करूंगा, एक ऑर्डर मेंशन करूंगा डिफरेंट रेज का, कि ऑर्डर क्या है, किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज्यादा है। यहाँ तक आप लोगों ने मेंशन कर लिया तो मैं इसको रेज करूँगा और जो है आप लोगों के सामने एक ऑर्डर मेंशन करता हूँ। अच्छा देखो, हमारे पास जो है डिफरेंट तरह की जो है डिफरेंट टाइप की रेज होती है हमारे पास, ठीक है। हम उन रेज की बात करते हैं और उन रेज का जो है एक मेंशन करते हैं। हम कहते हैं कि एनर्जी वाइज हम कहते हैं कॉस्मिक रेज,
इनकी एनर्जी क्या होती है, ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू गैमा रेस, इनकी एनर्जी ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू एक्स रेस, इनकी एनर्जी जो है वो कम ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू यूवी अल्ट्रा वायलेट यूवी रेस, ठीक है। और फिर हम कहते हैं कि इनकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, इनकी एनर्जी जो है ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू विजिबल, ठीक है, विजिबल रेस, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इंफ्रारेड आई आर, ठीक है, और इंफ्रारेड की एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू माइक्रोवेव, और इनकी एनर्जी ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू रेडियो वेव्स। सो ये एक बेसिक तौर पे ऑर्डर है, ये एनर्जी ऑर्डर है, ठीक है। इन रेस की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे लीस्ट होती है। इनकी एनर्जी चूंकि ज़्यादा है तो इनकी वेवलेंथ सबसे शॉर्टर होगी, इनकी वेवलेंथ जो है सबसे लार्जर होगी, ठीक है। सो हम अभी मैंने बताया भी आपको कि एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विद वेवलेंथ और लैम्डा, ठीक है। सो जितनी ज़्यादा हमारे पास एनर्जी होगी किसी एक वेव की, उतनी ही उसकी जो है वो जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर होगी, जितनी एनर्जी कम होगी उतनी ही वेवलेंथ जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है जी। सो ये चीज़ आपने नोट डाउन कर ली है, आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आपने इस चीज़ को नोट डाउन कर लिया होगा और इस चीज़ को अपने पास जो है आपने मैंशन कर लिया होगा। अब मैं चाहूँगा कि आप लोगों को दोबारा से एमसीक्यू की तरफ लेकर आऊँ, तो क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ तक कोई क्वेश्चन, अगर आप लोगों का है तो आप मुझे बता दें, नहीं है तो हम फिर आगे चलेंगे और कुछ नई बात करेंगे। जी यहाँ तक आप लोगों ने तमाम चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं जो मैंने आप लोगों को लिखवाई हैं, फिर हम एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं और एमसीक्यू की बात करेंगे। एमसीक्यू नंबर हमारे पास इस वक्त जो है वो बेसिक तौर पे हम 19 से ऑनवर्ड चलेंगे। रिपीट कर दें सर, कौन सी बात रिपीट करनी है? सर वेवलेंथ इज वेवलेंथ इस ऑर्डर के इन्वर्स होगी, एग्जैक्टली आयशा, इसकी वेवलेंथ सबसे लार्जर होगी और इसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्टर होगी, ठीक है भाई। और अच्छा 21 का सी, अच्छा आपने आंसर देना शुरू कर दिए हैं, चलें ठीक है भाई। एक चीज़ रिवाइज कर देता हूँ, बात वापस से रिवाइज कर देता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। बेसिक तौर पे हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी E इज इक्वल टू एच न्यू, और इसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है सी बाय लैम्डा के। सो हम यहाँ पर इसको हम इस इक्वेशन पुट करें तो बनता है E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, और इसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं एनर्जी और वेवलेंथ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। सर सबसे ज़्यादा एनर्जी कॉस्मिक की होगी, एग्जैक्टली बिल्कुल, ये ऑर्डर जो मैंने मेंशन किया है इसमें ये हाईएस्ट एनर्जी है और ये लोएस्ट एनर्जी है, ठीक है। ये जो ऑर्डर मेंशन किया है ये हाईएस्ट टू लोएस्ट जा रहा है, ठीक है। देखिए ये हमारे पास हाईएस्ट एनर्जी है और ये लोएस्ट एनर्जी है, डिपेंड्स ऑन इट्स सोर्स, ठीक है। अच्छा चलें ठीक हो गया, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को, तो हम आगे चलते हैं। और इस वक्त हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल हमारे पास ये चीज़ें आपने फिजिक्स में पढ़ी होंगी तो बहुत बेसिक सी हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, और इसमें हमारे पास प्लैंक्स इक्वेशन वो तो बड़ी सिंपल सी थी, बी ऑप्शन इसका है E इज इक्वल टू एच न्यू, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट मैंने भी मैंशन भी की थी, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जीशान कह रहे हैं ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है, ओ वाओ, तो क्या तरीका आपके लिए बेस्ट होगा बता दें जीशान। अच्छा सो 20 का आंसर देख लेते हैं, ये हमारे पास है 6.625 × 10⁻³⁴ जॉल पर सेकेंड, जॉल सेकेंड, ठीक है। 19 का बी है और 20 का बी है, ठीक है। 21 की हम बात करेंगे, द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज, अब किस पे डिपेंड करती है किस पे इनडिपेंड करती है ये आपने देखना है, वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज इनडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेवलेंथ, वेलोसिटी इनडिपेंडेंट होती है वेवलेंथ के, वेलोसिटी जो है ये वेवलेंथ की इंडिपेंडेंट होती है, ये वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही होती, वेलोसिटी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। एनर्जी डिपेंड करती है वेवलेंथ के ऊपर, लेकिन वेलोसिटी कभी भी जो है हम कहते हैं कि ये वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सो ए ऑप्शन राइट होगा, 21 का ए ऑप्शन है, ठीक है, आपने ये देखना है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन हमारे पास 21 का होगा, 21 का डी वो को कह रहे हैं बी। सो देखो मैं आपको बताता हूँ, डिपेंड ऑन इट्स वेवलेंथ, देखो मैं आपको बताऊं वेलोसिटी की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी किसके डिपेंड करती है, किसके मुनहसर करती है, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो हम ये बात कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है वेवलेंथ के। इंडिपेंडेंट क्यों है वेवलेंथ के, इसलिए कि हम कहते हैं कि वेलोसिटी यानी जिस स्पीड से कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ये इस बात पर मुनहसर नहीं होता कि उस ऑब्जेक्ट की अपनी वेवलेंथ क्या है, ठीक है, अपनी वेवलेंथ उसकी क्या है इस पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, ठीक हो गया। सो ए ऑप्शन जो है हमारे पास क्या होगी,
फाइनल यानी कि जो हमारे पास अब कहने के इसके हो गए, ठीक हो गया, आगे चल सकते हैं हम इससे। हमारे पास टाइम भी जो है चूंकि आप हो चुका है और अब हम सोच विचार में हैं कि हम क्या करें, हम आगे चल लें, बहुत पढ़ लें, या फिर हम जो है क्या करें, बी टेस्ट ले लें। तो मेरे ख्याल से आप भी सजेस्ट इसको कीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से हम इससे हाँ कर लेते हैं कि टेस्ट जो है ठीक है उसको हम फिर थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक है, और हम कोशिश करते हैं कि जितना लॉन्गर कर सकें, जितना हम आगे तक मूव कर सकें वो हम कर लें, ठीक है भाई। तो जल्दी से आगे चलते हैं। एनर्जी पे डिपेंड करती है। अच्छा, अल्फा आगे पढ़ें कर, अच्छा आई थिंक सर भी आ चुके हैं। अच्छा, आपके टीचर जो हैं वो भी आई थिंक फिजिक्स के आ चुके हैं, ठीक है। सो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं कि हम जो है अभी इस वक्त अभी ले लें टेस्ट, ठीक है। हसीब कह रहे हैं अभी ले लें टेस्ट, ईजी चैप्टर सर। अच्छा, इस तरह कर लेते हैं फिर हम, क्योंकि अभी हम हाफ वे में पहुंचे हैं इस चैप्टर के ना, अभी हमारा हाफ वे रिमेनिंग बाकी है और हाफ वे जो रिमेनिंग बाकी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। इस चैप्टर का जो रिमेनिंग हाफ वे है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इस तरह करते हैं कि फिर आज हम टेस्ट नहीं लेते, ठीक है। हम ऐसे कर लेते हैं कि जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है मैं वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा मेरी प्रोफाइल के ऊपर। और टेस्ट जो है फिर हम इस तरह करते हैं कि फिर हम इस चैप्टर का जो टेस्ट है, ठीक है, वो हम फिर मंडे को ले लेंगे और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट करने के साथ साथ हम समहाउ कोशिश करें कि चैप्टर नंबर 6 जो है उसको भी हम जितना जा सकें आगे उतना हम लेकर जाएँ, ठीक है। मैं आपको बताऊँ कि आज जो है मेरी एंड पर आपने देखा होगा थोड़ा बहुत जो है वो उतनी एफर्ट या उतनी आपको एक्टिवनेस या एनर्जी नज़र नहीं आई होगी। रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब थी, जो है थोड़ा सा फीवर का एलिमेंट है, इसलिए जो है मैं इतनी एफर्ट इतनी एनर्जी आपको नहीं दिखा सका और इतनी जल्दी जल्दी हम जो है नहीं जला सके आज इस काम को, ठीक है। सो इंशाल्लाह हम मंडे वाले दिन ये करेंगे कि मंडे वाले दिन जो है हम जो दो क्लासेस दे लेंगे, अगर आप लोग समझते हैं कि ठीक है आप लोगों के लिए, एक हम यूजुअल क्लास ले लेंगे, एक हम जो है मंडे वाले दिन क्लास ले लेंगे 4 o'clock के बाद यानी 5 o'clock के करीब ले लेंगे, ठीक है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर लेंगे। मंडे में हाफ लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा, हाफ में चैप्टर नंबर 6 हाफ हो जाएगा और फिर हम चलेंगे। कल छुट्टी आप लोगों की है, कल हमारा लेक्चर नहीं होगा, ठीक है। सो और कल मंडे वाले दिन हम जो है फर्स्ट जो हमारा क्या कहते हैं लेक्चर है उसमें हम ले लेंगे चैप्टर नंबर 5 का टेस्ट, सेकेंड के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड जो है वो टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा और मेरे लिए आपने दुआ जरूर करनी है कि जल्द से जल्द जो है मैं बिल्कुल अप टू द मार्क बिल्कुल ठीक हो जाऊं, ठीक है, और जो है बिल्कुल उस तरह की एफर्ट कर सकूं जिस तरह की जो है अपने एफर्ट पहले कर रहा था, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे इंशाल्लाह, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।